सीएमएस लाहौर के साथ मेरी बड़ी अफिलिएशन, आई हैव बीन इन फोर्सेस फॉर, मैं इनको बता रही थी कि फॉर 5 ईयर्स ऑफ माय कैडेटशिप इन आर्मी मेडिकल कॉलेज फॉलोड बाय 28 ईयर्स इन सर्विस, एंड द सेकेंड लास्ट पोस्टिंग वॉज इन सीएमएस लाहौर. And when I was in CMS Lahore, at that time I joined Masters in Health Professional Education. And during that attachment, I was posted to CMS Quetta. And so I, फिर जो sessions थे वो attend करने हम Quetta से आते थे. So जैसे अब आप कह रहे हैं कि ये online है, CMS के अंदर है, so इससे ideal तो हो नहीं सकता. And then during that MHPE, मैंने resign किया army से, release ली, और फिर मैंने उसके बाद Shalimar Medical College join किया. और जब मैंने अपना मास्टर्स क्लियर किया तो आई वाज इन शालामार मेडिकल कॉलेज. सो मेरे लिए मास्टर्स जो है वो बड़ा इवेंटफुल था. यू नो आई चेंज 3 इंस्टीट्यूशंस इन दैट टाइम एंड इट वाज प्रीटी चैलेंजिंग. एनीवे चले आप 8:07 हो गए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपसे करा दिया है. बेसिकली आई एम प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी इन शालामार मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर एट द मोमेंट. एंड आई हैव रिसेंटली बीन अप्रूव्ड एज अ सुपरवाइजर and got my hospital accredited for second fellowship in urogynecology. So in that context, I am a supervisor for urogynecology as well. Or at the moment, to leadership roles in usme, I am chairperson of the International Representative Committee, Royal College of Pakistan, and Asia Oceania Federation of Urogynecology Committee. I'm the member and Vice President of Punjab in Urogynecology Association. So, आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है, that is using feedback and reflection for critical thinking. Feedback क्या होता है? पहले आप ना मुझे थोड़ा सा idea बताएं कि आप लोगों को क्या concept है? What is feedback? Madam, when after an activity we discuss what went well, what did not go well, and what could be done better. Feedback can be feedback ideally is a two-way, like in after a teaching session, if we take feedback from the students, we also take feedback from the teachers. And feedback is also, you know, when like when the teacher gives the session, a peer can also give the feedback. May I know who is talking? Ma'am, I'm Dr. Kuratulain. Okay, Kuratulain. Okay. All right. अच्छा ठीक है, कुरतुल एन का ही ख्याल है. सो कुरत, सो व्हाट इज द डिफरेंस देन बिटवीन फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन? मैम, रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड ऑन इन एक्शन. रिफ्लेक्शन इज व्हेन अ पर्सन हु इज डूइंग समथिंग व्हेन ही रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट ही डिड. बट फीडबैक इज व्हेन यू गेट द फीडबैक फ्रॉम अनदर पर्सन हु ऑब्जर्व्ड यू और हु असेस्ड यू. रिफ्लेक्शन आपके अपने काम की हो रही, आप करते हो, और फीडबैक कोई और आपको करके देता है. रिफ्लेक्शन मैडम, हम अपने काम की खुद असेसमेंट करते हैं कि हमने अब ये लेक्चर लिया है तो कल मैं इसकी रिफ्लेक्शन करूंगा कि मैंने किस तरह लिया है, इसमें कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई थी. फीडबैक जो है वो स्टूडेंट्स, फैकल्टी या कोई और थर्ड पार्टी जो है मुझे बताएगी कि आपका ये लेक्चर किस तरह का था, इसमें क्या कमियां थी, इसमें क्या अच्छी चीज थी, या कोई भी ओवरऑल अगर कोई मुझे बताएगा फीडबैक. तो ये जो लिखा हुआ है पहली स्लाइड में, ये आप पढ़ सकते हैं सलमान जी. मैम, स्टडी विदाउट रिफ्लेक्शन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, रिफ्लेक्शन विदाउट स्टडी इज डेंजरस, कॉन्फ्यूशियस. ये तो उसका जो ओनर है इस कोट का, उसका नाम है. सो स्टडी विदाउट रिफ्लेक्शन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिफ्लेक्शन विदाउट स्टडी इज डेंजरस. इससे आपको क्या समझ आती है? In reflection, we do before the, we can do before the session, during the session, after the session, in which we can analyze ourselves and the situation, and we can improve the future session and compare it with the previous one. Jo feedback hai, we can get from anyone, we can give our feedback after the session, and then we reflect on it, and then we can do the improvement in the future session. Ma'am, isse ye bhi samajh chahta hai ki रिफ्लेक्शन के बगैर कोई फायदा नहीं है. रिफ्लेक्शन है कि हम उसको अपना, unless you are processing something, you are trying to make sense out of whatever you have done. If you are not making sense out of it and you are doing not doing it with conscious awareness, so probably that is a waste of time, because then probably you are just आप एक रोट मेमोरी के साथ चल रहे हैं और उस रोट मेमोरी के साथ स्टीरियोटाइप चीजें आप दोहरा रहे हैं, बट यू आर नॉट इन अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योरसेल्फ.
and probably not contributing to improvement of others. So that's why study without reflection is a waste of time. And reflection without study is dangerous. Second part ko nahi, aap mein se kisi ne elaborate kiya. Yeah, iska yehi hai madam ki jo hum perform karenge uske baad hum apne aap ko khud self reflect ya self assess kar sakte hain ki usko humne kis tarah se perform. In other words, reflection aap us waqt kijiye when you have put in certain amount of effort in something, right? So ये एक तरह से वो जो आपका एक साइलोज है कि जिसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि यू नो वी नो एवरीथिंग एंड व्हाटएवर आई एम सेइंग इज यू नो 100% ऑथेंटिक एंड वी डोंट वांट टू इंप्रूव आवर ओन नॉलेज बैकग्राउंड बिफोर वी गो ऑन टू परफॉर्म अ टास्क सो दैट उसके बाद अगर आप रिफ्लेक्शन करते हैं तो दैट इज नॉट एक्चुअली हेल्पफुल दैट इज एक्चुअली डेंजरस बिकॉज आप अपने प्री एग्जिस्टिंग नोशंस को ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं विदाउट एनी actual factual evidential contribution ke aapne waqai usme improvement kiya hai so pehle aap usko study karein kisi cheez ko aur phir aap us pe reflect karein aur phir jab aapne wo kar liya kaam to phir aap usko next time zara reflection is an ongoing process so mam isme question tha ji jo feedback milta hai kisi ko kisi bhi cheez mein koi chahe lecture ho jaye kisi aur arts mein kisi cheez mein us feedback ke baad hum usko dekhte hain phir reflection karte hain wo bhi ho sakta hai फीडबैक के बाद या रिफ्लेक्शन इज सेल्फ चेंजिंग या सेल्फ असेसमेंट नो 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 यू ये अभी हम आगे जैसे भी हम वी आर गोइंग टू गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स एंड यू विल सी दैट दे आर दीस आर ऑल कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर इंटरलिंक्ड ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टॉपिक्स नहीं है दे आर काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड हर एक का किसी ना किसी के साथ कनेक्शन बनता है दैट इज व्हाई इन तीनों टॉपिक्स को कंबाइन करके ये टॉपिक आज का बना है कि यूजिंग फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन फॉर क्रिटिकल थिंकिंग सो जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि फीडबैक इज इंफॉर्मेशन गिवन टू द लर्नर अबाउट लर्नर्स परफॉर्मेंस रिलेटिव टू लर्निंग गोल्स और आउटकम्स राइट अब ये लर्नर जरूरी नहीं कि क्लासरूम में बैठा हुआ स्टूडेंट ही हो जब आप एक एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं तो मैं उस टीचिंग डोमेन में भी आई एम अ लर्नर राइट इस इवन नाउ व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद यू आई एम ऑल्सो लर्निंग आई एम ऑल्सो इवॉल्विंग सो वो फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं But truly speaking, क्योंकि इस वक्त आप स्टूडेंट्स हैं एंड आई एम प्रॉब्ली इन अ मेंटर पोजिशन सो अगर मैं भी आपको यहाँ पर फीडबैक देती हूँ आप एक स्टेटमेंट देते हैं और मैं उस स्टेटमेंट के बारे में आपको बताती हूँ कि नहीं यू नो दिस इज वेयर यू हैव मिसअंडरस्टूड इट एंड दिस इज वेयर यू कैन इम्प्रूव इट सो देन दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली फीडबैक एंड दैट फीडबैक हैज टू रिलेट टू योर लर्निंग गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स राइट इट आप चाहे वो वर्बल दें इट कैन बी रिटन इट कैन बी जेस्चरल जेस्चरल फीडबैक आप कैसे दे सकते हैं मैम जैसे जैसे आपका स्टूडेंट कोई प्रोसीजर आपको करके दिखा रहा आपको पेशेंट के सामने जैसे और आपको वो गलत लग रहा है आप उसको इशारा करके रोक सकते हैं जैसे या फिर कोई जैसे वो कोई गलत बात बोल रहा है तो हम जैसे आई से एक्सप्रेशन दे देते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन इज एक्चुअली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से फेशियल एक्सप्रेशन से अपने जेस्चर से कन्वे करते हैं सो अप्रूविंग पोस्चर्स You know, approving facial expressions, maybe just a you know a wave or that kind of thing. So thumbs up. So these are all gestural feedback. So अगर आप verbal दे रहे हैं किसी को जैसे आपने कहा कि शाबाश कह दिया या very good कह दिया, तो वो जो verbal feedback है, जो आपने ज़बानी बात की है, वो verbal है. और फिर written क्या है कि अगर आप वही चीज़ को formalize कर देते हैं और उसको आप in writing दे देते हैं, तो then so feedback की different forms हैं. इनफॉर्मल भी हो सकता है फॉर्मल भी हो सकता है बट द क्रक्स ऑफ द फीडबैक शुड बी दैट इट शुड एम टू एंड शुड बी केपेबल ऑफ इम्प्रूविंग द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स अगर मेरा फीडबैक जो है वो आपकी लर्निंग में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा मैंने आपको फीडबैक तो दिया है लेकिन आप उस फीडबैक को हेल्पफुल नहीं समझते इन अ वे कि इसने किस तरह से आपको हेल्प आउट किया है कि आप अपनी लर्निंग आइंदा से बेहतर कर सकें
तो प्रॉब्ली दैट इज नॉट अ फीडबैक. सो इट इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट, नॉट जस्ट अ सेट ऑफ कॉमेंट्स जो आपने किसी को दिए हैं, बल्कि विद एन इनहेरेंट एलिमेंट कि वो इस तरह का हो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो कि आप उससे इम्प्रूव कर सकें. इट शुड रीडायरेक्ट द लर्नर्स एक्शन टू अचीव अ गोल बाय अलाइनिंग एफर्ट एंड एक्टिविटी विद द आउटकम. सो जब मैं भी फीडबैक दूंगी आपको तो आई शुड हैव दिस थिंग इन माइंड कि आपसे मैं इस एक्टिविटी के बाद व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग यू टू बी गुड एट और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू लर्न. और अगर उसमें प्रोसेस में मुझे लगता है कि आप जो एफर्ट पुट इन कर रहे हैं या जो प्रोसेस है, इट्स नॉट जस्ट द एंड प्रोडक्ट, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग दैट टास्क, उस प्रोसेस में आप कहीं गलती कर रहे हैं जिससे मुझे एज अ टीचर या एज अ कोच ये अंदाजा होता है कि टुवर्ड्स द एंड प्रॉब्ली आप वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे या उतना सेटिस्फैक्ट्री लेवल उसका नहीं अचीव कर पाएंगे, तो मैं आपको उसमें फीडबैक देती हूँ ताकि आपके एक्शंस जो हैं वो रीडायरेक्ट हो जाएं. So that once we complete that task, आप वो suggested outcome achieve कर पाएं. So that is actually the main crux of feedback. इसके बारे में अगर कुछ आपका question है या आप कुछ comments करना चाहते हैं तो बताइए, फिर हम वरना आगे चलते हैं. मैम, जेस्चर से जो फीडबैक देते हैं वो एक्सेप्टेड होता है? मेरा ख्याल था कि शायद वो नहीं देना चाहिए. जेस्चर से बेहतर फीडबैक वर्बल है और वर्बल से बेहतर रिटन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेड नहीं होता. यानी कुछ चीजें हैं जो आपकी कॉन्टेक्स्ट बेस एवरी डे लाइफ में चल रही हैं साथ साथ, यू नो, यू कांट एग्जाम्स में या डिफरेंट सिचुएशंस में वी आर रिक्वेस्टेड एंड वी आर आस्क्ड टू कंट्रोल आवर जेस्चर्स, यू नो, स्पेशली डिसअप्रूविंग जेस्चर्स. तो अगर तो आप ऐसी सिचुएशन में बैठे हुए हैं जहां पे आप एक समेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, सो वहां पे प्रॉब्ली जेस्चरल अरेंजमेंट, जेस्चरल फीडबैक इज नॉट अ वेरी वेलकम अप्रोच. लेकिन जहां पे आप एक फॉर्मेटिव एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं एंड यू आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वहां पे अगर आप जेस्चरल फीडबैक देते हैं तो दैट शुड हैव अ प्लेस. जी मैम, ठीक है. सो नेक्स्ट है कि फीडबैक जब हमें समझ आ गया तो फीडबैक इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों देना चाहिए? अगर मैं नहीं भी आपको फीडबैक देती तो क्या फर्क पड़ेगा? टू इंप्रूव मोटिवेशन हो जाती है, लर्निंग इंप्रूव नहीं होगी, कोई गलती हो तो वो करेक्ट हो सकती है और इंप्रूवमेंट के चांसेस बेहतर है फीडबैक के साथ. एक थोड़ी सी खुशी भी हो जाती है, कोई अगर पॉजिटिवली फीडबैक देता है तो उससे हम फिर मोटिवेट होकर उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं. यू फील यू हैव डेवलप दैट फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग एंड यू डेवलप दैट फीलिंग ऑफ बायलैटरल कम्युनिकेशन, राइट? आपको लगता है कि जी द पर्सन हु इज मेंटरिंग यू और हु इज कोचिंग यू इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर डेवलपमेंट. सो बेसिकली फीडबैक इज यूजफुल टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट तभी होती है जब आपको ये लगता है कि समबडी इज इंटरेस्टेड इन योर डेवलपमेंट, राइट? सो अगर आपको ऐसा नहीं लगता और आपको ये लगता है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, यू नो, आप उसे आइसोलेटेड एनवायरमेंट में कर रहे हैं, नोबडी इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन रीडायरेक्टिंग यू, तो फिर आप डेवलप नहीं कर पाते. और जब आपने डेवलप करना है तो उस डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि पॉजिटिव फीडबैक भी दिया जाए और नेगेटिव फीडबैक भी दिया जाए. सो क्या डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक में आप उसको उसकी अच्छी चीजें बता रहे होते हैं तो आप सैंडविच टेक्निक में दें उसको, नेगेटिव फीडबैक तो हम डिस्करेज कर देंगे ना. तो फीडबैक हमारा मकसद तो इम्प्रूवमेंट है. पॉजिटिव में कि आप उसमें गुड थिंग्स जो है उसको एड्रेस करें और जो उसने अच्छा काम किया, जैसे हम किसी बच्चे को देते हैं तो हम उसके सेशन के बारे में उसको बताएंगे कि ये आपने अच्छा किया, वहां से आप स्टार्ट करें. फिर जो उसने गलतियां की हैं या इम्प्रूवमेंट के लिए जो, फिर हम वो बताएं उसको. और फिर एंड में इस तरह बताएं कि वो डिस्करेज ना हो. फीडबैक का मकसद जैसे आपने बिल्कुल बताया कि टू इम्प्रूव द लर्निंग है, फॉर डिवेलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, डिवेलपमेंट ऑफ लर्निंग है. तो उसमें हम पॉजिटिव में है कि उसमें हम गुड थिंग्स को एड्रेस करें और फिर नेगेटिव में उसको. पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो उसके अंदर और कोई ऐसी चीज ना हो जिससे वो डीमोटिवेट हो जाए या डिप्रेस हो जाए. तो ये नेगेटिव फीडबैक है कि उसको कुछ लोग डीमोरलाइज करने के लिए जो करते हैं वो मजाक उड़ाना, या उसमें अगर आप देखें किसी भी चीज़ में, कोई अगर अपना कॉन्टेंट बना रहा है, कोई अपना लेक्चर बना रहा है, कोई अपना रिसर्च कर रहा है, तो उसको जिस तरह आपने बताया कि पॉजिटिव फीडबैक, उसको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई उसको देख रहा है
और पॉजिटिवली उसको इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक दे रहा है तो वो उसमें आएगा। और अगर कोई उसमें कहते हैं ना टांग खींचने वाला या उसको नेगेटिव कमेंट्स करने वाला, वो नेगेटिव फीडबैक में, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। सो नेगेटिव एक्चुअली अगर आप देखें तो फीडबैक का मकसद अगर इम्प्रूवमेंट है तो इम्प्रूवमेंट का मकसद ये है कि आपने जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बेसिकली जो कोर एम है वो नेगेटिव चीज़ों को रेक्टिफाई करना या उन नेगेटिव चीज़ों को इम्प्रूव करना है। पर अगर आप स्ट्रेट अवे नेगेटिव से ही बात शुरू कर लेते हैं तो दूसरे बंदे को ये अंदाज़ा नहीं होता कि या ये इनकरेजमेंट फील नहीं होती कि जो उसने एफर्ट पुट इन की थी उसकी कोई पॉजिटिव चीज़, उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ थी भी या नहीं थी, और अगर थी तो क्या आपने उसको नोटिस भी किया या नहीं किया। सो एक तरह से जब आप पॉजिटिव फीडबैक से स्टार्ट करते हैं तो यू डिवेलप दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद दैट पर्सन दैट यू आर अप्रिशिएटिंग वॉट एवर गुड दैट पर्सन हैज डन। लेकिन नेगेटिव फीडबैक देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव फीडबैक देना बहुत आसान है क्योंकि आप जब भी किसी की तारीफ करेंगे एवरीबडी वॉन्ट्स टू हेयर यू नो गुड थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो पॉजिटिव फीडबैक देना इज नॉट अ चैलेंज। नेगेटिव फीडबैक देना इज एज अ चैलेंज क्योंकि आपका एम जो है वो दूसरे को डिस्करेज करना नहीं होना चाहिए और इम्प्रूव करना होना चाहिए। इसी तरह जिस तरह आपने से किसी एक ने लफ्स यूज किया सैंडविच टेक्निक, तो आप बात स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से, इन बिटवीन आप ले आते हैं कि जी व्हाट इज द एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड प्रेफरेबली यू अगेन ट्राई टू कंक्लूड योर फीडबैक विद समथिंग पॉजिटिव। एंड इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ गिविंग दिस फीडबैक एक कंसर्न एंड सपोर्टिव एटीट्यूड आपका जो है वो नजर आना चाहिए, चाहे आप पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं चाहे नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं। सो एक ये चीज के यू आर एक्चुअली कंसर्न अबाउट द ग्रोथ ऑफ दैट पर्सन, दैट इज द क्रक्स ऑफ द फीडबैक। जैसे आपने कहा कि दूसरे को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यू आर गिविंग दिस नेगेटिव फीडबैक जस्ट विद द पर्पस ऑफ क्रिटिसाइजिंग। सो क्रिटिसिज्म इज नॉट द गोल हियर, द गोल इज जी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। सो कंस्ट्रक्टिव में मैडम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हम रख सकते हैं। जी जी कंस्ट्रक्टिव में आप पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं और आप बीच में नेगेटिव लेकर आते हैं, एंड देन प्रेफरेबली अगर आप उसे कंक्लूड भी पॉजिटिव पे करें तो that is the most easiest form of you know, it makes it most palatable for the person who is getting the feedback. So then you reflect on that feedback, theek hai? So reflection aap khud kare, jaise aap logon ne kaha ki ji reflection jo feedback hai wo aapko koi aur de raha hai, aur reflect aap khud kare. So reflect aap khud apni performance pe bhi kar sakte hain, theek hai? Aur reflect aap us feedback pe bhi kar sakte hain jo feedback aapko kisi ne diya hai. राइट, सो यू नो नेसेसरली फीडबैक का होना जरूरी नहीं है रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिफ्लेक्शन सेल्फ रिफ्लेक्शन भी हो सकती है। पर जब आपको कोई फीडबैक देता है तो आप उस फीडबैक पे भी रिफ्लेक्ट करते हैं, तो फिर ये दोनों चीजें सिनर्जिस्टिक हो जाती हैं, एक दूसरे को ऑगमेंट करती हैं। सो फीडबैक इज डिजाइंड टू हेल्प यू आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन अ पीस ऑफ वर्क। एक तो वो है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो आप खुद समझ रहे हैं, एक वो है जो आपको ऑडियंस आपको कन्वे करता है, दीज आर योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। और आप उसको जब आइडेंटिफाई करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो दैट बिकम्स रिफ्लेक्शन, बिकॉज देन दैट कैन हेल्प यू इम्प्रूव ऑन योर वर्क बाय बिल्डिंग ऑन द पॉजिटिव कॉमेंट्स। सो पॉजिटिव की भी ये फायदा हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपके कौन से स्ट्रेंथ्स हैं जो आपका ऑडियंस या जो आपका मेंटोर है वो स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करता है, और प्रॉब्ली यू नीड टू कैपिटलाइज ऑन देम, प्रॉब्ली यू नीड टू यू कैन यूज देम मोर ऑफन एज योर ओन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। बट एट द सेम टाइम आप नेगेटिव वंस को भी नोटिस करते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू इन्फॉर्म द चेंजेस इन योर फ्यूचर वर्क, राइट? बिकॉज यू आर नॉट ऑल पॉजिटिव। आप जैसे अब मैं ये हम सेशन आज का कंक्लूड करेंगे तो हम आपसे फीडबैक लेंगे, और उस फीडबैक से मैं भी ये जानना चाहूंगी कि आपने जो हमारी 2 घंटे का हमारा इंटरेक्शन अभी रहेगा, इस इंटरेक्शन में व्हाट डू यू थिंक वाज पॉजिटिव। सो प्रॉब्ली यू नो अपने नेक्स्ट सेशन में मैं उन पॉजिटिव चीज़ों को मजीद अपनी स्ट्रेंथ लेके ज़्यादा उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करूंगी, एंड देन आप उसमें अगर मुझे नेगेटिव चीज़ें भी बताएंगे तो देन प्रॉब्ली आई रीडायरेक्ट माई सेल्फ इन द नेक्स्ट सेशन टू एड्रेस दोज नेगेटिव थिंग्स सो दैट माई फ्यूचर परफॉर्मेंस इज बेटर as compared to today.
सो ये इसमें आ जाता है कि यू सीक आउट पीयर एंड ट्यूटर फीडबैक. सो जरूरी नहीं कि आपको आपका ट्यूटर ही फीडबैक दे रहा हो, आप अपने पीयर से भी फीडबैक ले सकते हैं. सो आप अपने ऑडियंस से भी फीडबैक ले सकते हैं जो कि आपके मेंटीज हैं. एंड देन यू ट्राई टू गेन मैक्सिमम पर्सपेक्टिव. जब आप मुख्तलिफ जगहों से पर्सपेक्टिव लेते हैं तो एक चीज होती है ट्रायंगुलेशन. आपने ट्रायंगुलेशन का लफ्ज सुना है कभी? व्हाट इज ट्रायंगुलेशन? शाहीन आपका क्या कॉन्सेप्ट है ट्रायंगुलेशन के बारे में? ट्रायंगुलेशन ट्रायंगुलेशन ये होता है, देखिए ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है कि आप एक चीज को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से सुनते हैं और आप उन तमाम पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन करते हैं और ताकि आप जो एक अपना इवेंचुअल एक इन्फ्रेंस उसमें से गेन कर रहे हैं वो इन्फ्रेंस एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल हो जाए. बिकॉज ये देखें जब कोई आपको फीडबैक देता है तो फीडबैक में एक सब्जेक्टिविटी है. यू गेट इट? इट इज नॉट समथिंग स्टेटिस्टिकल और न्यूमेरिकल, राइट? अगर आपकी मैं मार्किंग कर रही हूँ, आपको मैं एक सेट ऑफ एमसीक्यूज दे देती हूँ और आप उस सेट ऑफ एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं और उस हर एक एमसीक्यू के सेट नंबर हैं और एंड में मैं आपको उस कंप्यूटर पर डाल देती हूँ तो इवन द कंप्यूटर विल गिव द कैलकुलेशन के जी टोटल स्कोर कितना था. सो दैट इज प्योरली ऑब्जेक्टिव, राइट? लेकिन जब आप सब फीडबैक किसी को दे रहे हैं तो फीडबैक में नो मैटर हाउ मच ऑब्जेक्टिव आई वॉन्ट टू मेक इट, देयर बाय डिजाइन इट हैज गॉट एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन इट. सो जब भी आप सब्जेक्टिव चीजें ले रहे हैं और सब्जेक्टिव चीजों से एक इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अगर आप मल्टीपल सोर्सेस से ले लेते हैं तो मल्टीपल सोर्सेस को पूल कर लेने से उसकी ऑब्जेक्टिविटी इनहेंस हो जाती है. तो अगर आपने फीडबैक फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट है और आपने अपने ट्यूटर से भी फीडबैक लिया है, एट द सेम टाइम आपने अपने पीयर से भी फीडबैक लिया है, तो इससे आपको एक मैक्सिमम पर्सपेक्टिव मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर आपको कह देता है कि यू नो यू आप बहुत स्टम्बल कर रहे थे, आप यू वर नॉट कॉन्फिडेंट, यू वर आप यू मे यू जस्ट मे बिकम नेगेटिव अबाउट इट कि ये ठीक नहीं कह रहा है. लेकिन अगर आपको आपके दो पीयर्स भी ये कह देते हैं और उसमें स्पेशली द वन हु इज क्लोज टू यू एंड जिसकी एडवाइस को आप बहुत वैल्यू करते हैं, द ट्रस्टेड फ्रेंड, वो भी अगर आपको यही देता है तो आपका पर्सपेक्टिव ज्यादा न्यूट्रल हो जाता है. सो आप मुख्तलिफ ओपिनियंस को कंसिडर करते हैं और इसको आप कहते हैं कि जी आपने ट्रायंगुलेट किया है तमाम ओपिनियंस को एंड देन यू एवेलुएट योर सक्सेस एंड फेलियर. सो दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने अपना जो फेलियर है उसमें उसको आपने जरूर असेस करना है और ओपन रहना है कि अगर आपको कोई नेगेटिव चीज पता चलती है तो आपने उसको एड्रेस करना है. क्योंकि अगर आप उसको नहीं एड्रेस करें तो उस फीडबैक का कोई फायदा नहीं और आप जो उस पर रिफ्लेक्ट करें वो रिफ्लेक्शन प्रॉब्ली एडिक्वेट रिफ्लेक्शन नहीं है. क्योंकि अगर आप ये इस तरह से समझेंगे ओनली देन यू विल बी एबल टू टेक रियलिस्टिक स्टेप्स इन योर फ्यूचर एक्शन प्लान. आपको शाहीन अभी समझ आई कि ट्रायंगुलेशन क्या हो सकता है? जी अंडरस्टूड मैडम. कि हम अपने पीयर्स और अपने ट्यूटर दोनों से एक फीडबैक लेंगे और उससे फिर जो हमें नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे वो एक ट्रायंगुलेट होगा जी मल्टीपल सोर्सेस से. अब फॉर एग्जांपल जैसे आप एक कोई भी टीचिंग, मैं आपको फॉर एग्जांपल अपने थीसिस की बात करती हूँ कि मैंने अपना थीसिस किया था चैलेंज्ड मदरहुड ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जी. उसमें डिफरेंट मदर्स को मैंने लिया था, उनका क्या फीडबैक था, यू नो हेल्थ केयर प्रोफेशनल मदर्स जब उन्हें ऐसी चैलेंजेस फेस करने पड़े जहाँ पे उन्हें अपने करियर के बारे में यू नो रेडिकल डिसीजंस लेने पड़े. लेकिन फिर एट द सेम टाइम मैंने उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स से भी फीडबैक लिया, उनका क्या पर्सपेक्टिव था. एट द सेम टाइम यानी उनके जिन बच्चों की वजह से उनको वो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, अगर उनके कोई स्पेशल नीड्स थी तो उनके जो कोचेस थे उनका क्या पर्सपेक्टिव था. तो जब आपने डिफरेंट लोगों का उसमें ले लिया और फिर आपने उनको कंबाइन किया तो क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही पार्टी को पूछते रहते हैं तो प्रॉब्ली आपका ओपिनियन बायस हो जाता है जी. जब आप मुख्तलिफ पार्टी से ले लेते हैं तो दैट बिकम्स मोर न्यूट्रल एंड मोर ऑब्जेक्टिव जी मैम. तो एक चीज के फीडबैक है, एक चीज हमने अभी समझने की कोशिश की कि जी रिफ्लेक्शन है. So then what is critical thinking and what is reflective thinking? Reflection or reflective thinking kya do mukhtalif cheeze hain ya same hain? Madam they are different. Kaise? Madam reflective thinking to aap us
चीज पे करेंगे ना जो आप कर चुके हैं, पर क्रिटिकल थिंकिंग तो आप ऐसे की भी कर सकते हैं जो आपने भी करना है. सही. क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. राइट. और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपने ये होती है कि आपने कोई काम किया है या करना है तो आप उससे रिलेटेड होती है. बहुत सारे सिनेरियोस में लोग क्रिटिकल थिंकिंग को और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को सिनोनिमसली यूज करते हैं. सो क्या कोई कनेक्शन है? सो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आप में से कोई पढ़ेगा? सो द यूज ऑफ दोज कॉग्निटिव स्किल्स और स्ट्रेटजीज व्हिच इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिजायरेबल आउटकम. सो यहां तक आपको क्या समझ है? कॉग्निटिव स्किल्स में जिसमें हमारी परसेप्शन है, हमारी थिंकिंग है, मेमोरी, ये सारी चीजें जो होती हैं कॉग्निशन के अंदर, उसके थ्रू हम अपना जो हमारा आउटकम है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा मेरा जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वो 100% रिजल्ट दे, तो इस कॉग्निटिव अपनी स्किल्स या कॉग्निटिव चीज़ों से मैं उसको इम्प्रूव करके अपने लेक्चर को और बेहतर तरीके से उसको डिलीवर कर सकता हूँ ताकि आउटकम उसका बेहतर निकले. एम वही है जो फीडबैक का था कि डिजायरेबल आउटकम आपने इम्प्रूव करना है. रिफ्लेक्शन का भी यही एम था कि डिजायरेबल आउटकम इम्प्रूव करना है. क्रिटिकल थिंकिंग में एलिमेंट कॉग्निशन का ऐड हो गया. सो आपने कॉग्निटिव स्किल्स या कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज अब यूज करनी है टू अचीव द सेम आउटकम जो कि आप रिफ्लेक्शन से कर रहे थे या जो कि आप फीडबैक से अचीव करने की कोशिश कर रहे थे. इन अदर वर्ड्स, थिंकिंग बिकम्स पर्पसफुल, रीजनड एंड गोल डायरेक्टेड. पर्पसफुल तो फीडबैक भी था, गोल डायरेक्टेड फीडबैक भी था. रीजनिंग जो इसमें ऐड हो गई है कॉग्निशन के साथ, दैट makes the critical thinking part of it. The kind of thinking involved in solving problems. ठीक है, आपको एक challenge scenario दे दिया जाता है, ill-structured scenario दे दिया जाता है जिसका कोई set answer नहीं है. ठीक है, आपने उसको खुद से उस वक्त सोचना है और आप उसको, तो उसमें आप जो अपना cognition का element use करते हैं to formulate inferences, calculate likelihood. क्या chances हैं कि अगर मैं ये बात इसको इस तरह से हैंडल करूं तो ये प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगा. मेकिंग डिसीजंस यूजिंग दोस स्किल्स, थॉटफुल फॉर द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. सो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग. इन अदर, क्रिटिकल थिंकिंग को अल्टरनेटिव नेम भी दिया गया है विच इज डायरेक्टेड थिंकिंग. बिकॉज डायरेक्टेड थिंकिंग में अगेन फोकसेस ऑन द डिजायर्ड आउटकम, लेकिन इसमें आपका थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है, आपकी रीजनिंग इन्वॉल्व है. आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आप उसको बैकअप कर सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टन लॉजिक्स के जी ये हमने ये डिसीजन लिया है तो इसका ये इसका बैकग्राउंड है. तो ये बन जाती है क्रिटिकल थिंकिंग. मैडम ये बायस हो सकती है? क्रिटिकल थिंकिंग भी बायस हो सकती है लेकिन लेस चांसेस ऑफ गेटिंग बायस, क्योंकि आप जैसे हम आगे उसको पढ़ेंगे, आपने सिंथेसाइज करना है और एनालाइज करना है एविडेंस टू मेक अ कंक्लूजन. सो क्रिटिकल थिंकिंग में बाय एंड लार्ज आप एविडेंस को लाना शुरू कर देते हैं. कॉग्निशन और एविडेंस, आपने हर चीज को देना है, आर्ग्यूमेंट देना है कि आप अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं. सो जिस चीज को भी आपने आर्ग्यूमेंट देके बैकअप करना है उसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट कम होना शुरू हो जाता है. क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आर यूज टू इंटरप्रेट वॉट इज हैपनिंग, देन एनालाइज एंड इवेलुएट अ क्लेम. ठीक है, आप उसको इवेलुएट कर रहे हैं, आप उसे एनालाइज कर रहे हैं, यू सेपरेट द फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, जो आप बात करी है कि बायस. सो इट बिकम्स लेस ऑफ एन ओपिनियन एंड मोर ऑफ अ फैक्चुअल सॉर्ट ऑफ थिंग टू प्रोवाइड सॉलिड एविडेंस फॉर एन आर्ग्यूमेंट. जैसे हम अगर आप इसको अपनी हिस्ट्री टेकिंग में ले आए, आपका एक स्टूडेंट है वो आपसे हिस्ट्री टेकिंग लेता है और हिस्ट्री आपको अपनी सुनाता है और आप उसे पूछते हैं, हिस्ट्री सुना देता है, एग्जामिनेशन सुना देता है, वॉट एवर क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन he or she has, और आप उसे बाद में कहते हैं कि जी अच्छा what is your diagnosis और what is your differential diagnosis, वो आपको एक list of 2-3 differential diagnosis दे देता है. So मेरा उससे next सवाल ये होता है कि जी अगर आपने जो number one diagnosis दिया है, आपने मुझे history सुना दिया, आपने मुझे examination सुना दिया, आपने मुझे investigations बता दिए, please go through it all over again, you know, उसको revisit करें, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, recall करें और highlight करें अपने मेरे आगे कि आपने अगर नंबर वन डायग्नोसिस ए दिया है तो व्हाट फीचर्स इन योर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस
support the diagnosis A, and at the same time, what are the features in your history examination and investigations which are not supporting the diagnosis A, right? और इसी तरह number 2 को बताएं और इसी तरह number 3 को बताएं. And the logic which I am expecting out of that student is कि जब वो मुझे अपना number A diagnosis बता रहा है तो उसके फेवर में पॉजिटिव चीजें मैक्सिमम होनी चाहिए और नेगेटिव चीजें मिनिमम होनी चाहिए. एंड एज वी मूव डाउन द ऑर्डर टू डायग्नोसिस नंबर 2, डायग्नोसिस नंबर 3, उनकी सपोर्टिंग पॉजिटिव चीजें कम होती जाएं और नेगेटिव चीजें ज्यादा होती जाएं, दैट इज द रीजन कि आपने उसको नंबर 1 नहीं किया था, नंबर 2 किया था, नंबर 3 किया था. सो ये एक क्रिटिकल थिंकिंग है मेरे ख्याल के मुताबिक. आप अगर इससे डिफर करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए अपना पर्सपेक्टिव. क्रिटिकल थिंकिंग में ये कि अगर आप कोई बात करते हैं और उसको एविडेंस बेस, यानी यू हैव टू जस्टिफाई दैट. जी एग्जैक्टली, यू हैव टू जस्टिफाई. एग्जैक्टली, आपने बस बात कह दी. जी मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को भी यही बात कहती हूँ कि आप जब मेडिसिन में हैं तो यू आर प्रीटी मच अ लॉयर एज वेल, यू नो. अपने आप को इस तरह से समझे कि जैसे लॉयर ने अपना केस डिफेंड करना. आप जब अपनी सिर्फ हिस्ट्री सुना रहे हैं, नॉट जस्ट कि आप पेशेंट को डील कर रहे हैं, वो एक सेपरेट सिनेरियो है, वो उसमें जो मेडिकल लीगल लिटिगेशन या इम्प्लीकेशन आती हैं वो फर्क है. लेकिन जब आप अपनी सिर्फ एक हिस्ट्री सुना रहे हैं एज अ स्टूडेंट और एज अ अंडरग्रेड और एज अ पोस्ट ग्रेड, दोनों सूरतों में आपने अपने आप को उसी तरह से डिफेंड करना है अपने हर वर्ड को कि जैसे कि एक लॉयर डिफेंड करता है. सो जब आप उसको लिख रहे हैं तो उसको इस तरह से ही लिखिए कि अब मैंने जाके जब अपने एग्जामिनर को सुनाना है कि ये इसके पॉसिबल डायग्नोसिस है तो मुझे उसको बैकअप करना आना चाहिए. सो वो बैकअप करने के लिए जो आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं या जिसको आप समझते हैं कि ये मेरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसकी लीस्ट इंपॉर्टेंस को बैकअप करना भी आना चाहिए कि आप क्यों उसको लीस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं. तो वो जो प्रोसेस है जिसमें आप ये एनालाइज करते हैं कि मैं किस चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ और मैं किस चीज को लीस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, वो जो एविडेंस आप प्रोवाइड करते हैं, दैट मेक्स द क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट ऑफ इट. एक क्लासरूम सेटिंग में जब आप बात करें, विद इन द क्लासरूम क्रिटिकल थिंकिंग अकर्स व्हेन द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद अ प्रॉब्लम एंड दे असेस पॉसिबल सॉल्यूशंस विद इन द कॉन्टेक्स्ट एंड यूज एविडेंस टू सपोर्ट देयर चॉइस. ये वही बात है जो मैं भी आपसे कर रही थी. आपने उन्हें एक प्रॉब्लम दे दी है, ठीक है. अगर वो क्लिनिक में आए हैं तो आपने उन्हें एक पेशेंट दे दिया है, लेकिन अगर वो क्लिनिक में नहीं है, क्लास में है, आपने उन्हें एक केस बेस्ड सिनेरियो दे दिया और उस सिनेरियो के बेसिस पे आपने उन्हें कहा है कि जी गिव योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, गिव योर मैनेजमेंट ऑप्शंस. लेकिन खाली ये नहीं है कि वो लिख दे मैनेजमेंट ऑप्शंस जितनी भी उसने किताब से पढ़ी थी, वो लिखता है तो आप उसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, जी आपने ये मैनेजमेंट ऑप्शन अगर लिखी है तो क्यों लिखी है. सो अगर उसको वो एविडेंस के साथ बैकअप कर सकता है तो दैट इज वेयर ही और शी हैज यूज्ड क्रिटिकल थिंकिंग. So by improving critical thinking skills, students are better equipped to handle problems where solutions are unclear and no rote memorized solution is possible. और ये हमारी day to day clinical जो dealing है और हमारा day to day patients के साथ encounter है, उसमें हमें ऐसी ही चीजें मिलती हैं. We deal with cases जो एक disease नहीं है, वो आपके पास walk-in disease नहीं है, कोई pattern नहीं है, वो patient आपके पास एक साइंस सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स के साथ आया और आपने उसको एनालाइज करना है कि ये मोस्ट लाइकली ये इल स्ट्रक्चर्ड जो आपके पास एक सारी इंफॉर्मेशन है, इसको आप प्रोसेस करके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स यूज करके कहाँ सबसे बेहतर यूज कर सकते हैं. सो इट इज आइटरेटिव. आइटरेटिव क्या होता है? रिपीट हो रहा होता है बार बार. रेपिटेशन और आइटरेशन में फर्क है. ऑल्दो आई गो बैक टू समथिंग मैडम. So iteration is repetition is sirf repeat hona. Iteration is back and forth. Direction ka element aa jata hai. Theek hai? Aap analyze karte hain ek information ko, you go back to the available information, you analyze it again. Samajh aa gayi aapko? So aap available data ko aur apne inference ko back and forth jab visit karte hain, so that become iteration. For example, aapne एक दफा किया, आपने पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल लिए करंट इशू के, आपके ख्याल में क्या है, देन यू अप्लाई योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज एंड यू ट्राई टू गिव अ रैशनल और जस्टिफिकेशन कि आपने जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस दी हैं वो पॉसिबल सॉल्यूशंस किस हद तक जस्टिफाइड है. सो दैट प्रोसेस इज क्रिटिकल थिंकिंग. लेकिन फिर आप उसको जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है उसके लिए फिर आप यही चीज रिविजिट करते हैं, जो थर्ड पॉसिबिलिटी है उसके लिए आप फिर यही चीज रिविजिट करते हैं. सो इट इज एन
बेसिकली जो आप क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, आप रिविजिट करते हैं बार बार. एक पेशेंट आता है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, एनालाइज करते हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप उस पेशेंट को, वो आपको दोबारा विजिट करता है, देर आर सर्टन अदर पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन विच आर देयर, सो यू डोंट गेट स्टक टू योर ओरिजिनल ओपिनियन. देर आर टाइम्स के जब आप इन्वेस्टिगेशन आती हैं, बाकी चीजें, एज द पेशेंट इज प्रोग्रेसिंग, आप अपने ओपिनियन को रिविजिट करते हैं बेस्ड ऑन दोज न्यू फैक्ट्स विच आर अवेलेबल. सो इसमें एक एलिमेंट ऑफ आइटरेशन रहता है. सो ये क्रिटिकल थिंकिंग का मॉडल है कि जो भी आपका अवेलेबल एविडेंस है उसकी बेसिस पे आप उसको रिविजिट करते हैं. तो फिर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जब आप कोई काम कर चुके होते हैं उसके बाद आप उसके बारे में सोचते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे मैडम के व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिड नॉट गो वेल, व्हाट कुड बी डन बेटर. ओके, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस. आप जो पूरी क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे थे उसी का एक कॉम्पोनेंट है विच रेफर्स स्पेसिफिकली टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड मेकिंग जजमेंट्स अबाउट व्हाट हैज हैपेंड. जैसे आपने कहा कि एक चीज हो चुकी है, ठीक है, जब तक आप अभी मिसाल के तौर पे एक पेशेंट का एक्शन प्लान बना रहे हैं, आपके पास पेशेंट आया है, आपने उसकी हिस्ट्री सुनी, आपने उसकी एग्जामिनेशन सुना, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन समझी और आपने उसका एक एक्शन प्लान डिवाइस किया, सो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग. अब वो आपके पास सेकेंड टाइम विजिट करने के लिए आया है और आप उसे रिविजिट करते हैं बेस्ड ऑन हिज और हर प्रोग्रेस एंड देन यू ट्राई टू थिंक के आपने जो किया था, जो आपने उसको मैनेजमेंट इनिशियली एडवाइस की थी वो कितनी ठीक थी, नेक्स्ट टाइम आपने उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है. या इसी तरह से एक स्टूडेंट है, उसको आपने एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया था और नेक्स्ट टाइम अब वो आपके पास आया है और आप उसकी परफॉर्मेंस या उसकी जजमेंट इम्प्रूवमेंट अब देखते हैं, देन यू अगेन मेक अ जजमेंट के अबाउट वॉट यू डिड, हाउ इट एक्चुअली हेल्प इन इम्प्रूविंग, और आप अब नेक्स्ट टाइम बेस्ड ऑन दैट कॉन्सिक्वेंस अबाउट वॉट हैज हैपेंड आप कैसे इसको अब नेक्स्ट टाइम बेहतर कर सकते हैं. तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये रिफ्लेक्टिव है, यानी इसमें आप बेसिकली यू आर रेफरिंग टू व्हाट हैज हैपेंड. आपने एक दफा क्रिटिकल थिंकिंग की थी, उसका कोई एक आउटकम हुआ, आपने उसको रिफ्लेक्ट किया और नेक्स्ट टाइम आपने उसको फॉलो किया. रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दैट प्रोसेस ऑफ आइटरेशन जो मैंने आपको कहा है. आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो ही आप बैक एंड फोर्थ जा सकेंगे. आपने रिफ्लेक्ट किया है, नेक्स्ट टाइम आप फिर उसको देखते हैं कि आपने उसको किस तरह इम्प्रूव करना है. सो इट्स अ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज एन एक्टिव परसिस्टेंट एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ अ बिलीफ और सपोज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज. सो आपने एक दफा अपना माइंड बना लिया था शुरू में, आपने बेस्ड ऑन वॉट एवर अवेलेबल एविडेंस वॉज, आपने उसको पे अपना माइंड बना लिया था, लेकिन आप वहां पे स्टक नहीं हो गए, फ्रीज नहीं हो गए. जब नेक्स्ट टाइम आपके पास न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आया है, सो यू आर actively revisiting it and your persistent effort to revisit it jo hai wo jari rehti hai and its grounds which support and further conclusions to which that knowledge leads. So aap evolve karte hain usse, aap apne aap ko strategy apni redefine karte hain aur aap apne future conclusions ko improve kar sakte hain. So in this way learners are aware of and control their learning by actively participating in reflective thinking, yani assessing what they know, what they need to know and how they bridge that gap during learning situations. इसमें अगर आपकी कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे बताइए, फिर हम आगे चलते हैं. मैडम, आपके कहने का मतलब है कि जो critical thinking है उसमें अभी that thing has to be happened और जो reflecting thinking है उसमें that thing has happened in the past. Yes, reflection हमेशा आप उसी चीज के बारे में करेंगे जो हो चुकी है. जो चीज अभी हुई नहीं उस पर आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते. सो मैं आपको ये कह रही हूँ कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. जी, आपने जो समझा है यहां तक ठीक समझा है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज अबाउट समथिंग विच हैज हैपेंड. लेकिन जो मेरा ख्याल है इसको ठीक करने की जरूरत है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम क्रिटिकल थिंकिंग. रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज दैट कॉम्पोनेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. Yes, which you are using about a thing which has happened. So critical thinking जो है वो future चीज के बारे में भी हो सकती है, current चीज के बारे में भी हो सकती है, past चीज के बारे में भी हो सकती है. लेकिन past चीज के बारे में आप बात करते हैं तो उसी critical thinking को आप reflective thinking भी कह सकते हैं. जी मैम, जी ठीक है.
So in summary, critical thinking involves a wide range of thinking skills leading towards desirable outcome. इसने अभी आगे जाना है, लीडिंग टूवर्ड्स डिजायरेबल आउटकम. अगर आप इसको इस तरह से समझ लें तो ये और भी आसान हो जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग इन अदर वर्ड्स आपकी थ्रू आउट एक फ्यूचर गोल की तरफ ओरिएंटेड है. और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फोकसेस ऑन प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट्स अबाउट व्हाट हैज हैपेंड. आपने क्रिटिकल थिंकिंग की थी, उसका क्या आउटकम हुआ, उसको जब आप क्रिटिकली ही एनालाइज कर रहे हैं तो उसको आप कहते हैं ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. यू नो, यू जस्टिफाई एक्शन, यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, you get a deeper meaning out of it, then you go to adopt certain changes. Apni assumptions, attitudes, values or beliefs ko aap revisit karte hain and you revisit your experiences. So that part jo pehle aapne action plan banaya tha, that was critical thinking. Lekin jab aap apne experience se usko revisit karte hain to that becomes a reflective thinking. Clear? Yes ma'am. Yes ma'am. So reflective thinking helps develop higher order thinking skills by prompting the learner to relate new knowledge to prior understanding. आपने पहले जो समझा था, अब उसके ऊपर कुछ नई information आ गई है, आप उन्हें correlate करते हैं. You think in both abstract and conceptual terms. Analyze किया आपने उसको. Apply specific strategies in novel tasks. कोई आपको नया task ऐसा मिल गया जिसकी कोई set solution नहीं है, आपने स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज यूज की हैं, एंड देन यू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ योर ओन थिंकिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज. आपने किया था, वो ठीक था, गलत था, उसका क्या आउटकम हुआ था, सो दैट बिकम्स अ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. सो रिफ्लेक्शन आप इसका मतलब है अकेले ही बैठ के कर सकते हैं खुद ही से, या कि और लोग आपकी मदद कर सकते हैं रिफ्लेक्शन में. मैडम जैसे डीब्रीफिंग सेशन टाइप होता है तो उसमें तो आप देखिए ना, पूरी टीम अपने एक्शन पे रिफ्लेक्ट कर रही है एक तरह से. फॉर एग्जांपल पीपीएच हो गया है, आपने मैनेज किया, बाद में पूरी टीम रिफ्लेक्ट कर रही है, तो जरूरी तो नहीं कि हर बार इंडिविजुअल हो. इनके साथ कौन एग्री करता है या डिसएग्री करता है? मैडम जो आप अपना एनालिसिस खुद करते हैं वो ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू अगर आप खुद को अच्छा एनालाइज करें. लेकिन दोनों साइड से, बोथ साइड से अगर आपको फीडबैक मिले तो ये ज्यादा अच्छा है. नहीं, अगर हम ऐसे टीम वर्क काम करें, मैडम जैसा सर्जरी है तो उसमें एक सर्जन है, फिर एक उसके असिस्टेंट है सर्जन, फिर एनेस्थेटिस्ट है. अल्लाह ना करे उसमें कोई अगर ऐसी मिसअप होता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सर्जरी आती है तो उसको हम बाद में रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या चीज बेहतर हो सकती थी. वो डॉक्टर कुटलैन इस बारे में कह रहे हैं कि ये कब टीम वर्क के तौर पर भी हो सकता है. और अगर सिंगली अगर मैं कोई लेक्चर दे रहा हूँ या कोई अगर इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ वो मैं अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन पर खुद करता हूँ इस तरह, तो टीम वर्क के तौर पे भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी. मैम और इवन अगर हम जैसे कोई वर्कशॉप करा रहे हैं, अगर हम 3 फैसिलिटेटर्स हैं एक वर्कशॉप करा रहे हैं, तो अगर हम उस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम इंडिविजुअल के अलावा एक टीम भी तो रिफ्लेक्ट करेगी ना. सो रिफ्लेक्शन कैन बी इंडिविजुअल एंड रिफ्लेक्शन कैन बी कलेक्टिव. ठीक है, दोनों हो सकती है. आप लोगों ने बड़ा अच्छा इसको पॉइंट आउट किया सारा और बड़े अच्छी एग्जांपल्स दी. सो व्हाट इज इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन? यू नो देयर आर सर्टेन रिसर्चर्स जो जैसे शुरू में किसी ने ये भी कहा कि जी जब आप खुद से अपने आप को एनालाइज करते हैं तो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. सो देयर आर प्रोपोनेंट्स जो कहते हैं कि रिफ्लेक्शन इज बेसिकली एन इंडिविजुअल एक्टिविटी एंड ओनली पर्सनल रिफ्लेक्शन कैन लीड टू इंक्रीज इन द नॉलेज. Individual reflection calls for the participants to think back on their personal prior experiences and connect those experiences to current information available to them, right? It allows the user to tap their individual emotions in a safe environment to gain a deep learning. Yani aap threatened nahin feel karte. Jab aap individually reflect kar rahe hain, to agar aapko apni negative cheezein bhi pata chal jati hain, तो आपको ये डर नहीं होता कि लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज लर्नर टू फील कॉन्फिडेंट टू अटेम्प्ट न्यू स्किल्स एंड थिंक थ्रू ऑल ऑप्शंस विदाउट अ चांस ऑफ रिडिक्यूल. सो इसकी स्ट्रेंथ है इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन की भी. और उसमें अगर एज ए स्टूडेंट, अगर आप एज ए मेडिकल ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप कहते हैं कि इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन थ्रू राइटिंग एक्टिविटीज. कई स्टूडेंट्स को आप देखें कि वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको लिखते हैं,
ठीक है, वो लिखना क्या है वो भी एक रिफ्लेक्शन है. या कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो पढ़ते हैं उसके बाद वो किसी और को पढ़ाते हैं. अब अगर पढ़ाने के बाद आप उस बंदे से भी फीडबैक ले रहे हैं और उस पर रिफ्लेक्ट करें, दैट बिकम्स अ कलेक्टिव रिफ्लेक्शन. जहां तक राइटिंग का प्रोसेस है उसमें क्योंकि दूसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो व्हेन यू आर राइटिंग परफॉर्मिंग राइटिंग एक्टिविटीज दैट हैज द मोस्ट पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स व्हेन यू आर डूइंग इट इंडिविजुअली. आपने एक एक असाइनमेंट की है, एक टास्क किया है, उसकी बेस पे फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे चले जाते हैं या आप इतने सारे सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम्स हैं, आप कोई एक टेस्ट उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं या उसमें से कोई एक टेस्ट टास्क उठा लेते हैं और आप उस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करते हैं और फिर आप कंपेयर करते हैं, तो दैट बिकम्स एक तरह से आपकी इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन है जिसमें आप किसी को एक्सपोज नहीं है इन दैट सिचुएशन फेस टू फेस, तो वो आपको एक सेफ एनवायरनमेंट देता है. तो इसलिए कई लोग इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन को प्रेफर करते हैं. बट देन कोलैबोरेटिव रिफ्लेक्शन हैज गॉट इट्स ओन रोल, जैसे आप लोगों ने बड़ा राइटली अभी मुझे बताया है, बिकॉज इट इनेबल्स पार्टिसिपेंट्स टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. तीन लोग वर्कशॉप करा रहे हैं, एक कहता है नहीं ये ठीक था, दूसरा कहता है नहीं ये इस तरह से भी बेहतर हो सकता था, तीसरा उसमें एक और नया पर्सपेक्टिव ले आता है. तो आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेते हैं व्हाइल गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट बीइंग टॉट. आप खुद से तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लेकिन जब आप दूसरे का ओपिनियन भी उस पर लेते हैं तो ये वही चीज है जो मैं शुरू में आपसे कह रही हूँ कि ट्रायंगुलेट हो जाती है बात, वो सब्जेक्टिविटी उसमें से कम होना शुरू हो जाती है एंड इट स्टार्ट बिकमिंग मोर ऑब्जेक्टिव. सो ग्रुप रिफ्लेक्शन ऑल्सो रिलाइज ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड प्रायर नॉलेज ऑफ द टॉपिक, बट नाउ इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू वन इंडिविजुअल, वो आप सबकी पूरी टीम की आ जाती है. It provides an opportunity for synergy through participants by sharing ideas. Synergy क्या है? कि आप एक positive energy create करते हैं towards the activity because all the participants are sharing their ideas and experiences. इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि एक चीज है मैंने individually की for example और मैंने उसमें कुछ गलती कर दी या उसमें कोई कमी रह गई और मैं उसको समझती रहती हूँ कि ये मेरी individual कमी है. I was not well equipped to perform this task, right? ये मेरी deficiency थी, मैंने probably ये बहुत अच्छे से किया नहीं हुआ था. लेकिन जब आप collaboration में काम करते हैं और आपको दूसरे लोग भी बताते हैं कि that was the same area के जहाँ पे उनको कोई problem हुई थी, तो then probably you get an idea कि no, this is not your individual deficiency. Probably ये part of difficulty उस task की inherent difficulty थी. इसी को जब आप एनहांस करते हैं, आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पर चले जाते हैं, उसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से कंपेयर करते हैं, तो वो भी एक कोलैबोरेटिव रिफ्लेक्शन है. आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से अपनी प्रैक्टिस को कंपेयर करते हैं तो वो एक कोलैबोरेटिव रिफ्लेक्शन है. सो कोलैबोरेशन कंटेन्स अ लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन एम्बेडेड विद इन इट्स प्रोसेस. कैसे? व्हेन यू आर शेयरिंग आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस, अदर ग्रुप मेंबर्स गेन नॉलेज फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. And they have the opportunity to internalize their own thoughts and opinions. कई चीजें हैं जो आप किसी और के आगे बोलना नहीं चाहते, कई चीजें हैं जो आप किसी और के आगे अपनी weaknesses admit नहीं करना चाहते, लेकिन जब दूसरा बंदा आपको वो चीज बताता है, वो बात करता है, तो आप internally उसको process करते हैं और internally आप उस पर reflect करते हैं और आपका judgment या self reflection जो है वो आपको बताती है कि no, you were not that bad. Probably this was an inherent difficulty in that situation. So collaborative reflection jo hai, it has got its own strengths. मैडम इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन की ना वैसे मैं शेयर करना चाह रही हूँ. हम लोगों ने जब सर्टिफिकेट कोर्स किया था मेडिकल टीचिंग में, उसमें वो एक टीचर्स रिफ्लेक्टिव जर्नल हमसे करवाते थे. वो बहुत इंटरेस्टिंग होता था. आपने अपनी एक्टिविटी का राइटिंग में जर्नल पूरा करना होता था. वो बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन एक्टिविटी थी. तो जो आपके ये आप देखिए कि हम लोगों ने जिस इरा में पढ़ा है, आप लोग तो अभी यंग है मेरे से और मैं अपना भी देख रही हूँ, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं यू नो जो पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको मैं कंपेयर करती हूँ कंपेयर टू अब जो बच्चे प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के लेवल्स में. तो आप ये देखें कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी जर्नल्स लिखवाए जाते हैं, इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन लिखवाई जाती है. वो एक टास्क करते हैं अपना इंग्लिश का, फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट उन्होंने कम्प्लीट किया, उसके बाद दे आर मेड टू राइट अ रिफ्लेक्शन कि जी मैंने ये पढ़ा था, ये मैंने टास्क इस यूनिट में हमने ये चीज़ पढ़ी है, पढ़ने के बाद मैंने क्या समझता हूँ, मुझे कहाँ प्रॉब्लम हुई थी, मुझे कहाँ फ़ायदा हुआ था, मुझे क्या समझ आया था, मुझे क्या बेहतर करने की ज़रूरत है.
तो ये उसी कॉन्सेप्ट को अब हमने मेडिकल कॉलेजेस में और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में हम ले आए हैं और हम रिफ्लेक्टिव जर्नल्स लिख पाते हैं ताकि हम ये समझें कि उस बंदे ने कॉन्शियस एफर्ट क्या की थी अपनी उस लर्निंग को प्रोसेस करने के लिए। जी मैडम, फॉर मी इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन इज बेटर। कभी ऐसा भी तो होता है ना, जैसे हमारा एक्सपीरियंस है कि हम एग्जामिनर को पूरा वाइवा दे देते हैं और जब घर आते हैं तो हमें याद आता है ये गलतियां थी, लेकिन बहुत दफा एग्जामिनर को वो हमारी गलतियां नहीं पता चलती, जो हमें खुद भी लग रहा होता है कि ये इतनी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन और कोलैबोरेटिव रिफ्लेक्शन दोनों जो है वो एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। बताने का मकसद यही था कि बोथ ऑफ देम हैव अ प्लेस। सो इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, इसीलिए ये जो मैंने ये पहले वाली दोबारा लेके आई हूँ कि सम रिसर्चर्स प्रोवाइड एविडेंस दैट रिफ्लेक्शन इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी एंड ओनली पर्सनल रिफ्लेक्शन कैन लीड टू इंक्रीज इन नॉलेज। ये देखिए ये एविडेंस बेस्ड है कि जिन्होंने ये कहा कि जी रिफ्लेक्शन है ही सिर्फ इंडिविजुअल एक्टिविटी, और आप जब पर्सनल रिफ्लेक्शन करते हैं तो सिर्फ वही नॉलेज इंक्रीज करती है, ये उस बात को स्ट्रेंथन कर रहा है जो आप कह रहे हैं, ठीक है ना। सो देयर हैव बीन पीपल जो ये समझते हैं कि जी सिर्फ इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये जब हम कोलैबोरेटिव रिफ्लेक्शन की बात करें तो इस पे भी हमने आगे स्टडी सपोर्ट की है कि यानी ये भी एविडेंस बेस्ड है। सो इन अदर वर्ड्स ये दोनों चीजें एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते, इन दोनों की अपनी अपनी जगह है, और देर आर प्लेसेस जहाँ पे आपको इंडिविजुअली रिफ्लेक्ट करना पड़ता है एंड इट इज इंडिस्पेंसिबल, एंड देर आर प्लेसेस जहाँ पे आपका कोलैबोरेटिव रिफ्लेक्शन करना जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन योर फीडबैक के भी डिफरेंट मॉडल्स हैं। मेडिकल एजुकेशन की अच्छी बात या बुरी बात जो मुझे लगी जब मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रही थी कि एक एक लफ्ज़ को लेकर उस लफ्ज़ को बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपसे कहा ना लॉयर आप बन जाते हैं, आप उस एक लफ्ज़ को बहुत ज्यादा सिंथेसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा उसको डिग आउट करते हैं, उसके मीनिंग्स की डेप्थ में बहुत डिटेल में जाते हैं। सो अब कहने को था जी फीडबैक इम्प्रूवमेंट के लिए रिफ्लेक्ट किया कि अब आपने समझ भी लिया है, लेकिन उसको फिर फर्दर ब्रेक डाउन किया एंड देर आर आप देखेंगे 3-4 मॉडल्स मैं भी आपसे शेयर करूंगी कि जी लोग कहते हैं कि जी किस तरह से आप जब फीडबैक पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो आप किन किन स्टेजेस से गुजरते हैं। सो सबसे आसान मॉडल को मैं सबसे पहले इसलिए लेकर आई हूँ कि अगर आपको सिर्फ ये याद रहता है तो दिस इज ऑल्सो गुड इनफ, लेकिन आपसे जब आपको के इम्तहान होते हैं खासतौर पर अगर आप मास्टर्स करते हैं और डिफरेंट, तो उसमें आपसे मॉडल स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं इसलिए उनका पता होना जरूरी है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टेज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहली आ जाती है, डिस्क्रिप्टिव स्टेज। नंबर 2 आ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग स्टेज, और नंबर 3 है फ्यूचर फोकस्ड स्टेज। सो डिस्क्रिप्टिव स्टेज में आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द सेंस, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स ऑफ द फीडबैक, प्रेफरेबली राइट देम डाउन टू रिफर टू लेटर एंड कीप अ ट्रैक एंड आइडेंटिफाई कॉमन मिस्टेक्स। ठीक है, किसी ने आपको फीडबैक दिया और आप उसको उस फीडबैक से खुद क्या समझ रहे हैं, और रिफ्लेक्शन आपकी जो है उसको अगर आप लिख लेते हैं जो भी आपकी फीलिंग्स उस वक्त आपको समझ आई हैं, तो दैट बिकम्स जस्ट अ डिस्क्रिप्टिव स्टेज। क्रिटिकल थिंकिंग है, अब उसी लिखी हुई चीज को या उसी समझी हुई चीज को आप एनालाइज करना शुरू करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दैट, वॉज द पर्सन टू नेगेटिव, वॉज ही एक्चुअली पॉजिटिव, वॉज वॉट एवर ही पॉइंटिंग आउट टू बी योर शॉर्ट कमिंग एक्चुअली योर शॉर्ट कमिंग, वॉट आर यू पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ, उसने जो चीजें आपकी अप्रिशिएट की उसमें से कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि वाकई अच्छी आपने की थी, इज देर एनीथिंग यू आर डिसअपॉइंटेड बाय, आपको खुद लगता है कि नो, जैसे आप कह रही हैं कि मैं जाती, मैं घर जाऊंगी वाइवा देने के बाद और मुझे लगता है कि मैंने ये चीज़ गलत की थी, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि जिससे आप डिसअपॉइंट हुई हैं? क्या आपको उस फीडबैक में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, मतलब उस बंदे ने अपनी तरफ से तो आपको फीडबैक दे दिया है लेकिन आपको समझ नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों लिखा है? डू यू वॉन्ट टू गो बैक टू दैट पर्सन टू गेट अ क्लैरिफिकेशन कि उसने ये कमेंट अगर डाला है तो किस लिए डाला? एंड देन फ्यूचर फोकस स्टेज ऑफ रिफ्लेक्शन, हाउ विल दिस फीडबैक इन्फ्लुएंस यू इन कम्प्लीटिंग योर नेक्स्ट असाइनमेंट मोर इफेक्टिवली, वॉट विल यू डू द सेम? जैसे मैंने आपसे कहा कि आज के आपके इस फीडबैक के बाद मैं समझूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे एजू लाइफ वाले बुलाते हैं तो मैं क्या चीज़ है जो ऐसे ही करना चाहूंगी, वॉट विल यू डू डिफरेंटली, क्या चीज़ें हैं जो मेरे आज के ऑडियंस को पसंद नहीं आई हैं नेक्स्ट टाइम, या उनको लगता है कि इस पर मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ?
सो उन स्ट्रेंथ्स को और उन नेगेटिव फीडबैक्स को जहन में रखते हुए अपनी नेक्स्ट टाइम की एक्टिविटी को मैं प्लान करूंगी, पुटिंग टुगेदर एन एक्शन प्लान. सो ये तीन लॉजिकल स्टेजेस हैं ईजिएस्ट वे में समझाने के लिए. कि पहली बात यह कि मैंने सिर्फ उनको उठा लिया 1, 2, 3 के ये ऑब्जर्वेशन हैं. नंबर 2, आई ट्राइड टू मेक अ सेंस आउट ऑफ देम. एंड नंबर 3, आई ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट दैट सेंस इनटू माय फ्यूचर प्लान सो दैट नेक्स्ट टाइम माय परफॉर्मेंस इज बेटर. ये एक और मॉडल है जिसमें उन्होंने यही रिफ्लेक्शन को 5 फेजेस में ले गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्डिंग, रिलेटिंग, रीजनिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग. रिपोर्टिंग फिर वही है कि वो चीज़ हुई कैसे, आपने मनोमन वैसे ही बता दी. रिस्पॉन्डिंग में आपने अपना ओपिनियन शामिल कर दिया उसके अंदर, ऑफरिंग योर ओन ओपिनियन ऑन द टॉपिक, ये आपकी रिस्पॉन्स उसमें शामिल हो गई है. रिलेटिंग, कनेक्टिंग द टू कॉन्सेप्ट्स टुगेदर, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, और मुझे लगता है कि दिस इज वेयर वी आर, वी हैव अ कॉमन ग्राउंड. रीजनिंग, एक्सप्लेनिंग वाई द कॉन्सेप्ट्स गो टुगेदर, अगर कॉमन ग्राउंड कोई नजर आई है तो वो क्यों, क्या नजर आई. आप CMH से हैं, मैं भी CMH से रही, मैं रही हूँ, तो अगर मैं आपके साथ एक बात पे एग्री करी हूँ तो मे बी कि हम क्योंकि एक सिमिलर बैकग्राउंड से और हम उसका कॉन्टेक्स्ट बेहतर समझ सकते हैं. सो प्रॉब्ली दैट इज द रीजन कि हम वहाँ पे वी हैड द सेम ओपिनियन. एंड रिकंस्ट्रक्टिंग है कि यू ऑल्टर एन आइडिया और बिलीफ बेस्ड ऑन दिस रिफ्लेक्शन एक्टिविटी. कि अगर मैं आपसे लेती हूँ, कुछ कॉमन ग्राउंड आइडेंटिफाई हो जाती हैं, बट देर आर सर्टन थिंग्स डिफरेंट जो कि मुझे बताती हैं कि मैंने जो मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी उनको मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो मैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करती हूँ. सो सम प्रॉब्लम्स डू नॉट रिक्वायर ऑल 5 फेजेस. जैसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, पेल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, लेकिन हर जगह आपको ये सारा ऑर्डर इसी तरह फॉलो नहीं करना होता. इसी तरह से अ सिचुएशन मे नीड ओनली रिलेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग एंड मे नॉट नीड रिकंस्ट्रक्शन एट ऑल. सो जब आप 5 फेजेस कह रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हर सिचुएशन में आप 5 फेजेस से गुजरेंगे, लेकिन ये 5 फेजेस जो हैं उसके कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं. ये बेन्स मैप है. फिर एक ग्रॉसमैन मॉडल है जिसमें 4 फेजेस वो कहते हैं, अगेन डिस्क्रिप्टिंग, मेंटल प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड इंटेंसिव रिफ्लेक्शन यहाँ पे कहा जाता है. डिस्क्रिप्टिव वैसा ही था जैसा कि पिछला आपका पार्ट था रिपोर्टिंग. मेंटल प्रोसेसिंग में आपका कॉग्निशन का एलिमेंट आ जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन अगेन रीजनिंग है, क्यों मेरा और आपका ख्याल यहाँ पे एक जैसा है. एन इंटेंसिव रिफ्लेक्शन इज द डीपेस्ट रिफ्लेक्शन वेयर न्यू एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द लर्नर्स प्रायर बिलीफ. ये एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन आ जाती है जो हमने पीछे पढ़ी, रिकंस्ट्रक्टिव फेज. सो इंटेंसिव रिफ्लेक्शन के बाद आप रिकंस्ट्रक्शन करते हैं. द लर्नर्स मस्ट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल्टर देयर थिंकिंग स्लाइटली और मोर ड्रास्टिकली. ठीक है, सो ये आसान है, इसको याद करना. मेरे ख्याल में अगर आपने जब इम्तिहान के लिए याद करना हो तो अगर आप ये पहला वाला याद करते हैं जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, जिसमें 3 पेजेस थे, डिस्क्रिप्टिव स्टेज, क्रिटिकल थिंकिंग और फ्यूचर फोकस्ड, ये सबसे आसान है. या फिर ये गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल, आप ये साइकिल याद कर लें तो बहुत अच्छे से आपको. सो यू गेट अ फीलिंग, यू एवेलुएट दैट फीलिंग, यू एनालाइज, यू रीच अ कंक्लूजन, यू ड्रॉ एन एक्शन प्लान, नेक्स्ट टाइम अगेन यू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इनकॉर्पोरेट योर फीलिंग, एवेलुएट, एनालाइज, कंक्लूड, एक्शन प्लान. सो ये आइटरेटिव है. ठीक है, आपका ये साइकिल क्लोज नहीं हो रहा. एक्शन प्लान के साथ आप नेक्स्ट टाइम फिर इम्प्रूव करें. सो टिल द टाइम दैट आई एम इन्वॉल्व इन दिस टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मैं हर अगले लेक्चर से पहले, हर अगली टॉक से पहले अगर इसको इस तरह से री इम्प्रोवाइज करती हूँ, मैं फिर से सोचती हूँ कि जी आपने मुझे आज फीडबैक दिया, मैं उसको डिस्क्रिप्टिवली एनालाइज करती हूँ, फिर मैं उस पर अपनी फीलिंग्स डालती हूँ, मैं उसको एवेलुएट करती हूँ, एनालाइज करके मैं एक कंक्लूजन पे पहुँचती हूँ कि दीज आर द थिंग्स विच आई नीड टू रेक्टिफाई, दीज आर माई स्ट्रेंथ्स विच आई नीड टू पोटेंशिएट, और उसकी बेसिस पे मैं एक्शन प्लान बनाती हूँ. सो दिस इज एन आइटरेटिव प्रोसेस, राइट. ये खत्म नहीं होता, ये बैक एंड फोर्थ आप उन्हीं स्टेजेस के बीच में घूमते रहते हैं. एंड इन दैट प्रोसेस यू कीप ऑन इवॉल्विंग. सही, यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है कि हम रिफ्लेक्शन से और फीडबैक से किस तरह से
अपनी थॉट प्रोसेस इम्प्रूव कर सकते हैं. रिफ्लेक्शन बहुत सारी लर्निंग थेरीज का भी इंटेग्रल कंपोनेंट है. आप लोगों ने लर्निंग थेरीज पढ़ी है अभी तक? यस मैम, कल पढ़ी है. कल पढ़ी है. सो बहुत सारी लर्निंग थेरीज का भी इंटेग्रल कंपोनेंट है रिफ्लेक्शन. आपने कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थेरी पढ़ी होगी, मेयर्स एंड जॉन्स लर्निंग थेरी है, मिजरोस ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थेरी है. ये नहीं पढ़ी हमने तो अभी. कॉग्निटिव ह्यूमनिस्टिक वो ही किया मैडम कल. मैडम किया था हमने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव का डिफरेंस, ह्यूमनिस्टिक और सोशल एक्ट, और ये दो तीन मेन हमने कल डिफरेंस दो हमने किए थे मेन इनके डिफरेंस. सो जो कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है, इट इंक्लूड्स रिफ्लेक्शन एज वन ऑफ द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी. ये कहती है कि जी किसी भी एक्सपीरियंस के बाद पार्टिसिपेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपीरियंस, दे मेक एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजेशंस एंड देन एक्टिवली एक्सपेरिमेंट विद द जनरलाइजेशंस ऑफ द न्यूली क्राफ्टेड आइडियाज. सो दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज मोर देन सिंपली अ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस. आप उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग में एक्सपीरियंस करने के बाद यू रिफ्लेक्ट ऑन इट, you understand what you have experienced and then you develop a concept. So ye Kolb's experiential theory hai. Yani experiential theory se, experiential learning se aapko bahut aasan lafzon mein to ye samajh aata hai ki jo bhi maine experience kiya hai wo maine learn kiya. Lekin Kolb theory ye kehti hai ki experiential learning is not just that experience, it is reflecting on that experience, again understanding that experience and उसपे कॉग्निशन का एलिमेंट आप ले आते हैं. सो देन दैट सॉर्ट ऑफ ये आपने जो कंस्ट्रक्ट की अपनी लर्निंग वो लर्निंग है. मेयर्स एंड जॉन एक्टिव लर्निंग कहती है कि यू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू रीडिंग एंड लिसनिंग फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन. थ्रू रिफ्लेक्शन लर्नर्स अप्लाई न्यू इन्फॉर्मेशन टू एक्सरसाइजेस सिमुलेशंस और अदर एक्टिविटीज. सो क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू रिफ्लेक्शन इज नेसेसरी. जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग उसमें नहीं लाते, लर्नर उसका एक्टिव पार्टिसिपेंट उस लर्निंग एक्टिविटी का नहीं बनता. यस मैम, वरना देखिए ना वही रिफ्लेक्शन इन एक्शन की तरह से ही हो गया ना क्रिटिकल. हाँ, जब तक आप उस लर्निंग के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे आप उस लर्निंग का पार्ट नहीं बनते. आप रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको अपने प्रायर लिंक्स के साथ जोड़ते हैं और फिर वो आपकी एक्चुअली आपकी लर्निंग बनती है. ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि रोल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप मजीद उसको एनालाइज करती है कि जब तक आप सिर्फ सुन रहे हैं आप हाउ टू या वाई, हाउ, जब तक आप हाउ के क्वेश्चंस पे रहते हैं, हाउ दिस हैपेंड, व्हेन दिस हैपेंड, वेयर इट हैपेंड, जब तक सिर्फ ये सवाल थे तब तक ये आपकी लर्निंग नहीं हुई. लर्निंग तब हुई है जब आप इस पे आ जाते हैं कि व्हाई दिस हैपेंड, कैसे. सो जब वो पार्ट आ जाता है, सो दैट हेल्प्स द लर्नर ब्रेक डाउन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एक्टिविटी एंड देन रिकॉग्नाइज द लर्निंग अकरिंग थ्रू आउट द एक्टिविटी. क्यों? ठीक है, आप अपने एक अंडरग्रेड को प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ा रहे हैं, आप उसे बताते जाते हैं कि हाँ जी माउथ में गया था, च्यू हो गया, फिर इसोफेगस में गया, ये हो गया, फिर स्टमक में गया, ये हो गया. जब तक आपका लर्नर आपको रुक कर ये नहीं पूछता कि क्यों प्रोटीन खाली स्टमक में ही क्यों ब्रेक हो रही है, ठीक है, फलां चीज खाली इंटेस्टाइन में ही क्यों अब्सॉर्ब हो रही है. सो जब वो वाई का एलिमेंट लाना शुरू कर देता है तो वो पार्ट है जहां पे वो ट्रांसफॉर्मर, इन अदर वर्ड्स जहां पे वो क्वेश्चन करना शुरू कर देता है. सो जो भी आप लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे, ये मिजरोस जो मैंने आखिर में आपको पढ़ाई है, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर लर्निंग थ्योरी है एंड इट क्रिटिकली, इसका मेन पार्ट जो है, इसके 10 कंपोनेंट्स हैं लेकिन इसका मेन पार्ट है कि यू क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन अजम्पशंस. हर चीज को रुकें और उस पर क्यों का सवाल करें, ऐसा क्यों है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है. ओनली देन आप उसको उसके ऊपर से जो भी आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन निकालेंगे उसमें आप न्यू नॉलेज एक्वायर करेंगे, आप कॉम्पिटेंस बिल्ड करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और उसे अपनी लाइफ में ज्यादा बेहतर अप्लाई कर सकें. सो अब एक और चीज आ गई, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. हमने क्रिटिकल थिंकिंग की है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की है, ऐसा ही है ना. रिफ्लेक्शन किया था, क्रिटिकल थिंकिंग की थी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की थी और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की थी और फीडबैक थोड़ा. सो व्हाट इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन? सारा लफ्जों का खेल है एक्चुअली. सो जब आप क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं, उस क्रिटिकल थिंकिंग का जो
रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है उसको जब आप एम्फसाइज करते हैं तो दैट इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. यानी जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस माइंड सेट के साथ कि आपने इसके ऊपर इवॉल्व करना है, अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग को डाल के फ्यूचर प्लान बनाना है, तो वही रिफ्लेक्शन जो पहले आपकी सिर्फ रिफ्लेक्शन थी वो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन बन जाती है. सही. इन अदर वर्ड्स, आप एक बात मुझे बताते हैं, आप मुझे एक फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक के ऊपर मैं सिर्फ रिफ्लेक्ट करती हूँ कि अच्छा ये बात अच्छी थी, ये बात बुरी थी, ये उन्होंने मुझे ऐसे बताई है नहीं, लेकिन सेकेंड टाइम मैं उसको कॉग्निटिवली थिंक करने की कोशिश करती हूँ कि ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, ऐसा क्यों कहा था, अगर ये बात गलत लगी थी तो क्या वाकई ये गलत बात थी. सो जब मैं उसी रिफ्लेक्शन को कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन, कॉग्निटिव एलिमेंट उसमें ले आती हूँ, तो दैट रिफ्लेक्शन बिकम्स अ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. इट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन विच पीपल रिकैप्चर देयर एक्सपीरियंस, थिंक अबाउट इट, मल इट ओवर एंड एवेलुएट इट. आपने कोई फीडबैक देता है मैडम जब, सॉरी आपकी बात का, कोई फीडबैक देता है तो हम उसको फिर सोचते हैं, अपने कॉग्निटिव एलिमेंट लाते हैं और उसके बाद जो हम अपने उसमें इंप्रूवमेंट लेके आते हैं या जो भी हम चेंजिंग करते हैं वो सोचते हैं, वो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है उस चीज की. वो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के बाद है. क्रिटिकल रिफ्लेक्शन वेरीज फ्रॉम क्रिटिकल थिंकिंग. इन दैट रिफ्लेक्शन अलाउज लर्नर टू पर्सनली कनेक्ट विद द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड इट मोर डीपली बेस्ड ऑन वंस पास्ट एक्सपीरियंसेस और प्रायर नॉलेज. ठीक है, आप अपने पास्ट नॉलेज से भी, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी जो आपने गेन किया था वो और जो आपको करंट फीडबैक मिला है उसकी बेस पे जब आप उसको कंबाइन करके अपनी लर्निंग स्ट्रेटजीज इवॉल्व करते हैं तो उसको आप कहते हैं कि ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है. किसी ने कोई क्वेश्चन भी डाला? ठीक है मैम. ओके सो राइट मैडम, ये काइंडली स्लाइड आप शेयर कर देंगे आफ्टर लेक्चर? हाँ जी, ये मेरे इनके पास है, जुलाई वालों के पास. सो व्हाई इज क्रिटिकल थिंकिंग इम्पोर्टेंट? इतनी जो हमने सुबह से बैठ के बात की, सुबह 8 बजे उठ के हम सर्दियों में शुरू हो गए, बताएं कि क्यों क्रिटिकल थिंकिंग हमने करनी है, क्यों इतना जरूरी है इसके ऊपर एम्फेसाइज करना, क्यों जरूरी है? क्योंकि चीजें नई से नई इवॉल्व हो जा रही है, नई टेक्निक्स आई जा रही है और इम्प्रूवमेंट की हर जगह जरूरत होती है और बेटरमेंट के लिए, ताकि रिजल्ट्स हों और बेहतर हों. जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वगैरह, ये चीजें भी आ जाती हैं. जिस तरह हम लेक्चर पहले लेते थे खाली स्लाइड रीड करते थे, अब हमें नई चीजें पता लग गई हैं कि इसमें एनिमेशंस भी डालने हैं, इसमें वीडियोस भी डालने हैं, इंटरेक्टिव, कोई 2-3 स्लाइड बाद कोई ऐसी चीज डाल दें इसमें बच्चे का. आप हैं हमारे साथ? नो, शी इज नॉट देयर. लारेब कमर जी, क्यों क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है? मैम, आगे चीजों को न्यूली डेवलप करने के लिए बेसिकली एंड चेंज लाने के लिए. प्रॉब्लम ये है कि हमारी मॉडर्न डे सोसाइटी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है. आपके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है. आपने एक फनल देखी है? उसका ऊपर वाला पार्ट कितना बड़ा होता है और नीचे से उसकी जो नोजल है जहां से वो निकल रहा होता है वो कितना नैरो होता है. जी मैम. सो जो वो फनल का ऊपर वाला पार्ट है वो अभी आपका नॉलेज बैंक है, जो अवेलेबल है आपके गूगल पे, आपके इंटरनेट पे, आपकी किताबों में, मूडल पे रिसोर्सेज है. ठीक है, आपके रिसोर्सेज है. और जो उसका नोजल है नीचे पतला सा, वो आपका थॉट प्रोसेस है. आपका ब्रेन जो है एक हार्ड डिस्क है. ठीक है, इसकी भी एक कैपेसिटी है. आप अगर इसको ओवरलोड करते चले जाएंगे और आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, आप कोई कनेक्शन नहीं बनाएंगे, तो चांसेस ये है कि उसकी मेमोरी एक जगह जाके ब्लॉक हो जाएगी और आप उसको मजीद उसमें नई इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकेंगे. इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करें और इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन को पास ऑन करें. सो इन द कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी वी हैव गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैपिडली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन. एक दिन पता चलता है आपको कोलेस्ट्रॉल खराब है, अगले दिन आपको पता चलता है नहीं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो गलत थी, कोलेस्ट्रॉल इतना भी बुरा नहीं है. तीसरे दिन आपको फिर पता चलता है नहीं, कोलेस्ट्रॉल उतना ही बुरा. सो आपको यू नीड टू कॉन्स्टेंटली रीथिंक, स्विच डायरेक्शंस एंड चेंज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज. सो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ड्यूरिंग लर्निंग प्रिपेयर्स द लर्नर्स फॉर दिस सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड, जहां पे उन्होंने कॉन्स्टेंटली नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेना है, उसको प्रोसेस करना है, इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड करना है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करके अपने माइंड में स्टोर करना है. It is an essential skill to examine a problem through an objective lens.
अगर आपके क्रिटिकली थिंक नहीं करेंगे तो आप चीजों को सिर्फ सब्जेक्टिव फेस वैल्यू पे लेते रहेंगे। जब तक आप उसे क्रिटिकली थिंक नहीं करेंगे आप उसमें ऑब्जेक्टिविटी का एलिमेंट नहीं ला सकते, ठीक है। सो आपको अपने स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी लाना बेहद जरूरी है। इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टूडे देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ फास्ट पेस्ड वर्क प्लेस एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज। इट एवेल्युएट्स द वर्थ ऑफ द कॉन्टेंट इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आप व्हाट्सएप पे ही बैठे हैं, शाम को 1000 मैसेज आपके उस पर आया, आपने प्रोसेस करना है कि कौन से इसमें से इंफॉर्मेशन काम की है, कौन से मैसेजेस पढ़ने हैं, किसको रिस्पॉन्ड करना है, किसी किसको आपने डाउनलोड भी नहीं करना। सो ये मैंने एक सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको दी। सिंथेसिस थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इन द लर्निंग टैक्सोनॉमी। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर टू जनरेट आइडियाज, अप्लाई पास्ट इंफॉर्मेशन, मेक जजमेंट्स ऑन एन आइडिया एंड एक्सप्लेन व्हाई और हाउ समथिंग अकर्स एंड प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर व्हाई द करंट सिचुएशन सॉल्यूशन वाज चूजन। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब स्टूडेंट्स केस स्टडीज आपको प्रेजेंट करते हैं दे आर यूटिलाइजिंग देयर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू कंसिडर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द इश्यूज बिफोर ऑफरिंग अ सोल्यूशन। अपनी हिस्ट्री को रिविजिट करें, अपने एग्जामिनेशन को रिविजिट करें, इन्वेस्टिगेशन को रिविजिट करें और उसके बाद एक सोल्यूशन बताएं, एक मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस बताएं फॉलोड बाय सेकेंड मोस्ट लाइकली फॉलोड बाय थर्ड मोस्ट लाइकली विद जस्टिफिकेशन यू नो इन दैट ऑर्डर। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी आपने, शाहीन ब्लूम में पढ़ी थी मैडम एक बार, अब ध्यान से निकल गया, पहले पढ़ी थी चीपी में पढ़ी थी, ठीक है। सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहती है कि हर चीज को आप पहले आपकी लर्निंग की स्टेजेस हैं, सबसे पहले आप सिर्फ रिमेम्बर करते हैं, फिर आप उसे अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, फिर आप उसे अप्लाई करना शुरू करते हैं, अप्लाई करने के बाद एक स्टेज आती है जहां पे आप एनालाइज करना शुरू करते हैं उस एप्लीकेशन को जो आपने यूज की थी, फिर आप एवेलुएट करते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, एंड देन फाइनली यू मे सम ऑफ अस रीच द स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी जहां पे वो कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। सो ये क्रिएटिव स्टेज तक पहुंचने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है, वरना आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते तो आप रिमेम्बर, अंडरस्टैंड और शायद अप्लाई स्टेज तक भी पहुंच जाए लेकिन एनालाइज, एवेलुएट और क्रिएट करने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। मोस्ट इंस्ट्रक्टर्स अगर आप बात करें, अब जैसे हम अभी भी आपस में बात करें तो 99% ऑफ देम विल फाइंड दैट क्रिटिकल थिंकिंग इज अ डिफिकल्ट स्ट्रेटजी टू प्रैक्टिस विद इन द क्लासरूम। हम सब पढ़ाते हैं क्लासरूम में, हमें से कितने हैं जो एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करके निकलते हैं। एक स्टडी ये जो मैंने यहाँ कोट किया है इसमें उन्होंने देखा कि 4 साल मेडिकल कॉलेज में गुजारने के बाद लेस देन 30% ऑफ कॉलेज सीनियर्स रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन देयर स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। 70% ने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इम्प्रूव नहीं हुए। इससे क्या पता चलता है मैडम? कॉन्शियसली हम रिफ्लेक्शन को तो प्रमोट करते हैं, हम स्टूडेंट्स को कहते हैं रिफ्लेक्ट करें, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग जैसे अभी आप इतना फोकस कर रही हैं तो आप आ रहे हैं कि इस पे भी ज्यादा करना चाहिए, इसको तो हम इतना ज्यादा नहीं करते। हाँ, बिकॉज वी आर आवरसेल्फ अनक्लियर हाउ टू फॉस्टर दीज स्किल्स इन अ क्लासरूम सेटिंग, ठीक है। टाइम प्रेशर है, लेक्चर तेज है, अब और या आप एक क्लिनिशियन है तो आप अपने क्लिनिक से उठ के आई है क्लास में पढ़ाने के लिए, यू हैव टू फिनिश दैट टास्क इन अ डिजाइन टाइम पीरियड, फिर आपने वापस जाना है। आपको शायद ये इशू आता है ना मैडम, अगर 50 मिनट का लेक्चर है तो 5 to 10 minutes सेटल होने में उनको लग जाते हैं, फिर हमारा लेक्चर चल रहा होता है उसमें बहुत ज्यादा हमें स्पेस नहीं मिलती कि हम इस तरह का इंटरेक्शन कर सकें या क्रिटिकल थिंकिंग की कोई वो थोड़ी सी स्पेस। क्लिनिकल क्लासेस में शायद ज्यादा मिलती है स्पेस। हाँ जी, उसमें क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है वार्ड का या उसमें, और रिलेटिवली और क्या वजह है क्यों क्लिनिक्स में क्यों ज्यादा मिलता है और क्लासरूम में क्यों कम मिलता है? क्लासरूम में टाइम ज्यादा मिलता है, क्लिनिक में टाइम और कम होता है। जैसे अगर गायनी वार्ड में या लेबर रूम में आप एक स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे हैं तो साइमल्टेनियसली एक इमरजेंसी भी आ जाती है, आप फौरन उसको डील करने लग जाते हैं, स्टूडेंट से आपका ध्यान हट जाता है और वो जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा लग जाता है और फिर ओटी चले जाते हैं, तो क्लिनिकल साइड पे कम होता है। लेक्चर थिएटर में आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं प्रोबेबली। मैम क्लिनिकल क्लिनिक्स में ये है कि आप जिस वक्त यू नो एक फॉर एग्जांपल एक इमरजेंसी आई है तो जो आपने इंटरनली क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस करना होता है, अगर आपके आसपास स्टूडेंट्स होते हैं तो आप वो क्रिटिकल थिंकिंग और डिफरेंशियल डायग्नोसिस का प्रोसेस जब आउट लाउड करते हैं तो स्टूडेंट्स
आर मोर एबल टू कोरिलेट. जहां तक लेक्चर्स का ताल्लुक है, इफ मतलब जिस वक्त हम लोगों ने एमबीबीएस किया था, आई थिंक जिसने भी 2006 से पहले पहले जब मेडिकल एजुकेशन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, दे वुड ऑल एग्री कि हम लोगों को जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ाई गई थी वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बेसिक लेवल पे थी. हम सिर्फ रिमेम्बर ही करते थे एंड वी यूज्ड टू बी रोट लर्नर्स. लेकिन अब इवन इन लेक्चर्स टीचर्स आर इनकरेज्ड, इवन आई ट्राई कि मैं कोई ना कोई क्वेश्चंस या कोई ना कोई मतलब क्लिनिकल रेलेवेंस वाले क्वेश्चंस उसमें इनकल्टेट करूं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं दे यू नो बिल्ड अप ऑन देयर बैकग्राउंड नॉलेज. मतलब चाहे वो एम्ब्रियोलॉजी में चीज पहले पढ़ चुके हैं, आई एम आल्सो गायनेकोलॉजिस्ट, तो आई वुड लाइक टू मेक देम कोरिलेशन कि ये चीज वहां से किस तरह आप स्टेप वाइज आगे आके अप्लाई कर सकते हैं. प्रोसेस है जो हमारा वो तो स्टार्ट ही C3 से बच्चे का हो जाता है ना, क्योंकि वो एप्लीकेशन पे आ जाता है. जब हम लेक्चर में नहीं वार्ड्स में क्लासेस देते हैं तो बच्चा एप्लीकेशन को डील कर रहा होता है तो उसका तो स्टार्ट ही बहुत अच्छा होता है. वो C3 एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है तो उधर क्रिटिकल थिंकिंग के ज्यादा है कि वो फिर अपने आप को बिल्ड करके टू क्रिटिकल. लेकिन लेक्चर में तो पहले आप C1 C2 C3 हर चीज चल रही होती है, लेकिन वहां पे आपका स्टार्ट ही एप्लीकेशन से हो रहा होता है इन द वार्ड्स जब आप पेशेंट डील कर रहे होते हैं. उधर क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट आप ज्यादा आराम से कर सकते हैं. आई थिंक हां आई वुड एग्री विद दैट. सो क्योंकि आपने जो चीजें फॉस्टर करनी है उस एनवायरमेंट में वो बच्चा उस वक्त डायरेक्टली मौजूद है. शाहीन का पर्सपेक्टिव मैं इस तरह से समझ सकती हूँ कि आई हैव वर्कड इन CMHS एंड आई नो कि कई जगहों पे आप वहां पे जब आप काम कर रहे होते हैं टीचिंग फैकल्टी में तो आप के पास उस तरह से टीचिंग स्टाफ नहीं होता और आपने क्लिनिकल साइड पे भी मेनली खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना होता है. एंड देन यस यू आर रशिंग टुवर्ड्स थिएटर एंड यू आर रशिंग टुवर्ड्स लेबर रूम एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन जब आप एक डेजिग्नेटेड ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे एक पूरा एक टीचिंग फैकल्टी है आपके नीचे साथ आपके एसोसिएट AP प्रोफेसर SRs एक पूरी टीम है जो उस टीचिंग एक्टिविटी को सपोर्ट कर रही है, देन जब आप वार्ड्स में या क्लिनिकल सेटिंग्स में करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से आप उसे प्रमोट कर सकते हैं. हमारा प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमंस आर नॉट बॉर्न एज नेचुरल क्रिटिकल थिंकर्स. ठीक है, नेचुरल क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमारी इनबिल्ट टेंडेंसी नहीं है. क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल सेट है, एक्वायर्ड लर्निंग है विच इज एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड फीडबैक. ठीक है, जब हम जो हमारी इनहेरेंट क्वालिटी है वो रोट मेमोरी वाली ही है, सुना रिप्रोड्यूस किया. जैसे मैंने कहा हम एक CD है कंप्यूटर की, डिस्क है, हार्ड डिस्क है जिसमें इंफॉर्मेशन जितनी डाली है उतनी इंफॉर्मेशन उसने निकाल देनी है. लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एक आर्ट है जो आप डेवलप करते हैं, एक लर्नर्ड एक्टिविटी है और ये स्किल सेट है जिसको आप एक्वायर करते हैं. और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस और फीडबैक और रिफ्लेक्शन उसमें करेंगे उतनी वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती जाएगी. इसीलिए आपका फाइनल ईयर का या फोर्थ ईयर का स्टूडेंट क्लासरूम में बैठ के चाहे गोल्ड मेडल ले ले, जब वो वार्ड में आता है तो वो नए सिरे से उसको लर्न करना शुरू करता है और जैसे जैसे उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज बेहतर होती चली जाती है. सो शर्मर डिस्क्राइब्स ह्यूमन एज पैटर्न सीकर्स एंड स्टोरी टेलर्स. सो बेसिकली हमारा जो डेवलपमेंट है वो पैटर्न सीकर्स है और वी आर जस्ट स्टोरी टेलर्स, वी आर नॉट नेचुरल क्रिटिकल थिंकर्स. द चैलेंज फॉर द इंस्ट्रक्टर्स इज टू हेल्प द लर्नर्स थिंक एब्स्ट्रैक्टली. और शुरू में आप में से किसी एक ने कहा था आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ सेट ऑफ पैटर्न बिहेवियर और इंस्ट्रक्शंस. द वर्कफोर्स एक्सपेक्ट्स कॉलेज ग्रेजुएट्स टू बी इक्विप्ड वेल विद क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. जब आपका मेडिकल ग्रेजुएट होकर निकलता है और वर्कफोर्स में जाता है वहां पे 100% एक्सपेक्टेशन ये होती है कि क्रिटिकल थिंकिंग उसमें होनी चाहिए. और जब नहीं होती तो उनकी उन वर्कर्स को आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस कम हो जाते हैं. लर्नर्स हु हैव गॉट हायर थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स सिक्योर जॉब्स मोर क्विकली. ये पार्टनरशिप फॉर 21st century स्किल्स की रिजल्ट है एंड दे आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्कफोर्स. सो कैसे हम एनवायरमेंट्स वो क्रिएट कर सकते हैं जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फिर प्रमोट करें. इसका मतलब है कि अगर वो इतना इंपॉर्टेंट है और उसका उसके फ्यूचर पर इतना इम्पैक्ट है then we have to have certain environments jahan pe hum uski reflective thinking promote kare. aur wo kya hai, provide enough wait time for students to reflect when responding to inquiries. again yani aapne ek sawal kiya to usko thoda sa 2 minute de taaki usko wo process kar sake. emotionally supportive atmosphere in the classroom, encouraging reevaluation of conclusions. agar aap class mein 4 logon se sawal kare और अगर एक स्टूडेंट एक सवाल का जवाब गलत देता है और दूसरा करेक्ट देता है
तो आउटराइटली उसको डिस्करेज ना करें, इस तरह से करें कि हाँ आपका भी इम्पोर्टेंट था फीडबैक, लेकिन यू नो दिस इज हाउ आई थिंक द अदर पर्सन हैज गॉट अ बेटर ओपिनियन. प्रॉम्प्ट रिव्यू ऑफ द लर्निंग सिचुएशंस, व्हाट इज नोन एंड नॉट येट नोन एंड व्हाट हैज बीन लर्न्ड, यानी साथ साथ रिव्यू करते रहें, बीच में रुक रुक के सवाल जवाब करते रहें, इंटरेक्ट करते रहें. प्रोवाइड ऑथेंटिक टास्क, जैसे अभी बीच में किसी एक ने कहा कि जी मैं उसके अंदर ऐसी चीज़ डाल लेती हूँ, ऐसा क्लिनिकल टास्क डाल लेती हूँ कि जिससे स्टूडेंट अप्लाई कर सके अपनी उस नॉलेज को, एम्ब्रियोलॉजी को कनेक्ट कर सके. सो प्रोवाइड ऑथेंटिक टास्क इन्वॉल्विंग इल स्ट्रक्चर्ड डेटा टू इनकरेज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ड्यूरिंग एक्टिविटीज. Prompt students' reflection by asking questions which seek reason and evidence. आपने एक स्टूडेंट्स को पूछ लिया उसमें उठा करके, जी बताएं आपको यहाँ पर क्या समझ आई है, तो कोई ऐसा सवाल कर लें डायरेक्टली ये पूछने के बजाय कि क्या समझ आई है, वो आपको रिगर्जिटेट कर दे, कोई ऐसा सवाल कर लें जिससे ये आपको अंदाजा हो कि उसको वो बात समझ आई थी तो उसने ये जवाब दिया. Provide some explanations to guide students through students' thought processes during explorations. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. प्रोवाइड अ लेस स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, ये आपके पास क्लिनिक्स में अवेलेबल होता है, इट इज लेस स्ट्रक्चर्ड, ठीक है ना, वो उनके पास बात करने का ज्यादा एवेन्यू होता है, इंटरेक्ट करने का ज्यादा एवेन्यू होता है. सोशल लर्निंग एनवायरनमेंट्स आप उनको दें, मिसाल के तौर पर पीयर टू पीयर, पीयर ग्रुप्स में वो बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्मॉल केस फोकल ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, तो वो जो सोशल लर्निंग एनवायरनमेंट्स हैं उसमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का ज्यादा, फिर रिफ्लेक्टिव जर्नल की बात की थी शुरू में आप में से किसी एक ने, सो उसमें स्टूडेंट खुद अपनी पोजीशन लिखता है और उसमें उसने जस्टिफिकेशन देनी होती है, खाली अपनी फीलिंग्स नहीं लिखनी, अगर उसको एक चीज फील हो रही है तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, अवेयरनेस के उसको अपोजिंग पोजिशन क्या मिल रही है एंड वीकनेस ऑफ हिज ओन पोजिशन. सो रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना, less structured environment, giving more time to the students and asking reflective questions during the process of that task, these are the things which will promote reflective thinking. Agar main ek 30-35 slides ka ek set leke aayi hu aur mujhe ye pata hai ki maine lecture ke aakhir tak jo hai ye 35 slides bas khatam hi karni hai, to main aapse baat bhi na karu, aapse sawal bhi na karu, aapse baat bhi na karu, so then probably you will just not listen to it. लेकिन अगर मैं आपको बीच में रोक कर पूछ रही हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्रॉब्ली यू विल फील कि हाँ हम इस एक्टिविटी का एक्टिव पार्ट हैं, एंड देन यू विल टेक मोर इंटरेस्ट एंड यू प्रॉब्ली थिंक एज वेल. कुत्सी आपका क्या ख्याल है? यस मैम, डेफिनेटली जितना भी हम इंटरेक्टिव वे में अपने ये टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी को लेके जाते हैं, उतनी ही हमारी न्यूरोनल स्टिमुलेशन भी ज्यादा होती है, एप्लीकेशन एंड रेलेवेंस ज्यादा होती है, एंड कंटेक्सचुअल लर्निंग या सोशल लर्निंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो एनहांस हो जाती है. ठीक, सही. लेकिन जितना प्रैक्टिकल हम बनाएंगे उतना ज्यादा लर्निंग इजी होगी, जैसे वार्ड साइड और पेशेंट साइड, बेड साइड लर्निंग है वो ज्यादा प्रॉपर इजी और वो लगती है एज कम्पेयर टू के सिंपल लेक्चर ही देते रहे स्टूडेंट्स को. आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल कॉलेज ना, वो वार्ड बेड साइड वो ज्यादा बेटर उनको लगेगा लर्निंग पॉइंट. जी कुछ कहने लगा था कोई और, ये ठीक है और आप क्लास की, लेकिन मसला ये है कि सारी एक्टिविटीज आप बेड साइड पे नहीं कर सकते, आपने बाहर क्लासरूम में भी एक्टिविटीज करनी है, तो हाउ टू मेक देम मोर रिफ्लेक्टिव? मैडम थ्रू वीडियोस, पिक्चर्स, पास्ट एक्सपीरियंस. यस, पास्ट एक्सपीरियंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियोस, पिक्चर्स, एग्जैक्टली, नेचुरल स्टोरी टेलिंग टेंडेंसीज. जैसे मैंने आपसे कहा है कि हमारी जो हमारा ब्रेन है बेसिकली वो स्टोरी टेलिंग के ऊपर चलता है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग हमने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करनी है. सो अगर आप नेचुरल स्टोरी टेलिंग थ्रू पर्सनल रिफ्लेक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास में एक एक्लेम्शिया का सिनेरियो आप पढ़ा रहे हैं, और अगर आप उसमें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले आते हैं और उनको साथ वो कोट करते हैं कि आपने उसमें क्या डिफिकल्टी फेस की थी या कैसे आपने उसको इवॉल्व किया था, दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग और स्टूडेंट का एक कनेक्शन बन जाता है उसके साथ और वो उसको याद नेक्स्ट टाइम उसके लिए करना ज्यादा आसान हो जाता है. मैम बकायदा रिफ्लेक्टिव सेशंस भी रख सकते हैं फॉर स्टूडेंट. एग्जैक्टली,
So reflecting on the course contents, offering them opportunities to connect past experiences with current learning material, ताकि वो active participants बने उस activity में और active learners बने. Active learning enhances the learning experience because it enables participants to make connections to the information. So important क्या है कि जब आप reflection, student की engagement, self empowerment, ये दोनों जब आप लाएंगे तो automatically there will be an increase in comprehension and retention skills. जब तक आप उसको engage नहीं करेंगे, जब तक आप उसको empower नहीं करेंगे कि हाँ वो इस लर्निंग एक्टिविटी में उतना ही इम्पोर्टेंट मेंबर है जितने आप एज अ टीचर हैं, और उसका कंट्रीब्यूशन, उसका बायलैटरल इंटरेक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपकी तरफ से कोई चीज़ जाना. जब तक आप ये नहीं करेंगे तो उसकी कॉम्प्रिहेंशन या उसके रिटेंशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव नहीं करेंगे. सो सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना जो है वो हमारा मेन है. और क्लास में भी अगर हम उसको इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स डाल लेते हैं विच आर ओपन एंडेड, ओपन एंडेड आप प्रॉब्लम्स डाल लें कि हाँ जी इसको कैसे डील करेंगे, तो उसमें उनको खुद सोचना पड़ता है. अगर आपने यानी अगर 15 मिनट की टॉक दिया, उस 15 मिनट की टॉक के बाद आपका एक इल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम आ जाता है जो उस कंटेंट को कवर करता है जो आपने उस 15 मिनट में पढ़ाई, तो वो एक बेहतर तरीका है स्टूडेंट की लर्निंग जज करने का कि उसको वो बात कितनी समझ आई है. अ सिनेरियो विच मे बी सॉल्व इन मल्टीपल वेज विद सपोर्टिंग एविडेंस. सो अब जैसे मैं ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ तो मैं जब इनसे पूछ रही होती हूँ कि जी आप इस पेशेंट को किस तरह डिलीवर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को बड़ा डर लग रहा होता है एफसीपीएस में कि अच्छा नॉर्मल डिलीवरी ही कह दें पर सिजेरियन का तो एग्जामिनर फेल कर देगा, या अगर सिजेरियन नहीं का. सो आई टेल देम कि यू नो कोई भी मरीज सिजेरियन से भी डिलीवर किया जा सकता है, कोई भी मरीज वजाइनल डिलीवरी से किया जा सकता है, सो फार कि आप उसको जस्टिफाई कर सकें. कोई भी चीज़ गलत नहीं है जब तक आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ ठीक नहीं है जब तक आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते. आपने करेक्ट आंसर दिया है ठीक है, लेकिन मैं आपसे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए उसकी जस्टिफिकेशन पूछती हूँ और आप उसकी सही जस्टिफिकेशन मुझे नहीं दे पाते, तो फिर मेरे लिए वो आपका करेक्ट आंसर नहीं रहता, मेरे लिए वो आपका एक तुक्का बन जाता है कि आपने एक तुक्का लगाया था वो लग गया, वो आपका करेक्ट आंसर नहीं है. सो आपने ये आदत डालनी अपने स्टूडेंट्स को कि जी वो जो बात करें उसके ऊपर वो एविडेंस दें. सो आंसर बेस्ड ऑन रिमोट मेमोरी शुड नॉट बी एनफ. Students use individual reflection to solve ill-structured case studies. पहले आप उन्हें वो individually reflect करें ताकि वो अपने prior problem solving skills को उस level of complexity में use कर सकें. Then you can make small groups for them. In small groups, they can use reflection among members to solve ill-structured problems so that they can share ideas with each other and understand. जैसे आप चार students को एक case दे देते हैं कि आप चार मिलके इसकी history लें, ठीक है, तो वो आते हैं. प्रॉब्लम जो होती है हमें वो ये होती है कि अगर तो स्टूडेंट्स उसको ट्रूली एनालाइज यूज करेंगे, यानी अगर चार को एक सिनेरियो दिया गया है उसका मकसद यह है कि एक बंदा एक पार्ट करे, दूसरा दूसरा पार्ट करे, चारों का रोल हो, लेकिन समझने के वक्त चारों मौजूद हो. जो मैं अभी अपने क्लिनिक्स में और अपनी टीचिंग एक्टिविटीज में देखती हूँ कि स्टूडेंट्स ने भी उसमें भी एक एवोल्यूशन अपनी बना ली हुई है कि जी ये पार्ट इसने करना है तो वो उस पर तवज्जो ही नहीं देंगे कि ये इसका पार्ट है, इसी से पूछे, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. ये एम नहीं है, आपने उनको बताना है कि जी ये आप चारों को, ये आप चारों का ग्रुप टास्क है, सो चारों के पार्ट्स पता होना सबको जरूरी है. हाँ ग्राउंड वर्क एक ने उस पर करना है, प्रेजेंट एक ने उसमें से वो पार्ट करना है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग बाकी तीन से भी की जा सकती है उसके ऊपर. मैम ये जो आपने लाइन में लिखा है टू सॉल्व इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, इससे क्या मतलब है? जैसे हम उनको कह दें ये पेशेंट है इसकी हिस्ट्री लो, तो ये इल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स का ये है कि फॉर एग्जांपल आपने उनको दे दिया है कि जी ये एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल अ ग्रेविडेट 3 पैरा 2 विद प्रीवियस 2 वजाइनल डिलीवरीज, आप उन्हें लेबर पढ़ा रहे हैं और आपने उन्हें कह दिया कि जी ग्रेविडेट 3 पैरा 2 है विद प्रीवियस 2 वजाइनल डिलीवरीज हैज रिपोर्टेड टू यू एट 3 सेंटीमीटर्स इन लेबर विद 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन, सो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दिस पेशेंट. अब इसमें यू नो दे कैन एड्रेस इट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ वेज कि जी उसकी होलिस्टिक मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, जनरली आपने क्या स्टेबलाइज करना है, उसकी हिस्ट्री को रिविजिट करना है, उसकी लेबर को कैसे मैनेज करना है. सो यानी दे कैन कम अप विद अ वैरायटी ऑफ आंसर्स एंड नॉट ऑल द दोज, हर आंसर की एक अपनी रेलेवेंस है, उनमें से कुछ गलत कुछ नहीं है. सो अब अगर उनमें से चार लोग चार डिफरेंट एंगल से लेके आते हैं तो आपने एंड में आपका काम सिर्फ ये रह जाता है कि आपने उनको प्रोसेस करना है कि जी दिस पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट वी विल गो इट लाइक दिस दैट वी विल डू दिस फर्स्ट एंड दिस सेकंड एंड दिस थर्ड. ठीक है राइट. तो यानी ये जरूरी नहीं है कि यानी
वो 2+2 हो जिसका आंसर सिर्फ 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता. मैम इस तरह तो इल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम ज्यादा बेहतर है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन से, क्योंकि इल स्ट्रक्चर में वो अपना थॉट प्रोसेस को लेकर आते हैं. ठीक है ना, जब तक आप उन्हें स्ट्रक्चर्ड चीज देते रहते हैं तो वो अपने थॉट प्रोसेस को नहीं लाते, दे सिर्फ वो उसी तरह से उसी रिकॉल करने की कोशिश करते रहते हैं. सो मैं उन्हें कई दफा आप स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि दिस इज, आपने इसको अपने दिमाग से बताना है मुझे, प्लीज जस्ट यूज योर थिंकिंग प्रोसेस, देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू इट. आपके ख्याल में जो इसका जवाब है आप वो बताएं, और आप मुझे बताएं कि आपने ये जवाब क्यों सोचा. आपको क्या लगता है कि ये जवाब क्यों ठीक है. सो अगर आप उसको, अगर फॉर दैट मैटर एक ही पेशेंट पे दो कैंडिडेट साइमल्टेनियसली बैठ के मुझे एक कहता है कि इसका मैं सिजेरियन करूंगा और दूसरा कहता है मैं नॉर्मल डिलीवरी करूंगा, और वो अपने थॉट प्रोसेस से अपने उस डिसीजन को जस्टिफाई कर देता है, एज फार एज केस डिस्कशन इज कंसर्न एंड अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, मेरे ख्याल में वो दोनों पास होते हैं. ठीक ठीक है ना. सो नो वन आंसर इज कॉन्क्रीटली राइट और रॉन्ग. दिस इज अ मॉडल विच इलस्ट्रेट्स रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स इम्पैक्ट ऑन क्रिटिकल थिंकिंग परफॉर्मेंस. सो ये हमने पहले बात की थी कि हम क्रिटिकल थिंकिंग में हम पास्ट एक्सपीरियंसेस और नॉलेज लेते हैं, रैशनल और जस्टिफिकेशन लेते हैं, और पॉसिबल सॉल्यूशंस करंट इशू के बारे में बनाने की कोशिश करते हैं. सो जब आप इसमें प्रॉम्प्ट्स क्या कर सकते हैं, एविडेंस की जस्टिफिकेशन ले आए, एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस उनके पास प्रॉम्प्ट के तौर पे हो, और इल स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो आप उन्हें दें टू कंस्ट्रक्ट देयर क्रिटिकल थिंकिंग. सो इल स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो आपने दिया है, लेकिन उस इल स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो के को वो कहीं पे एविडेंस बेस्ड से जस्टिफाई कर सके. सो अगर आप इनको साथ कंबाइन कर लेते हैं विद द बेसिक कोर प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तो इस तरह से आप उनकी परफॉर्मेंस इन क्लिनिकल सिनेरियोज इंप्रूव कर सकते हैं. सो नॉलेज का होना भी जरूरी है, एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस का पता होना भी जरूरी है, लेकिन उनको फिर एक इल स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो में अप्लाई करना आना भी जरूरी है. सो दिस इज ग्लासरमैन वॉटसन क्रिटिकल थिंकिंग अप्रेजल मॉडल. दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू टेस्ट इंडिविजुअल स्किल्स ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन एंड रीजनिंग. और इसमें भी ऐसा ही है कि आप एक, आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, यू मेक सेंस आउट ऑफ इट, यू एनालाइज, यू मेक अ जजमेंट, यू गो थ्रू अ स्ट्रेटेजिक एंड क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस. सो यहां से शुरू करके येलो से जब आप रेड तक पहुंचते हैं तो ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछी जाती है कई दफा, ग्लासरमैन वॉटसन क्रिटिकल थिंकिंग अप्रेजल मॉडल. सो एक आखिरी चीज जो मैंने इसमें अब टच करनी है जो हमने नहीं अभी की, वो है इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग. ये आपसे पूछी जाती है कई दफा, इनमें क्या फर्क है, व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग एंड व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग. मैम कल हमने कुछ पढ़ा था इंडक्टिव टॉप से बॉटम और डिडक्टिव पर ऐसे कुछ था. ये बनी हुई है, बड़ी अच्छी सी तस्वीर है जी, इंडक्टिव. सो डिडक्टिव में आपने थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और कंफर्म. ऑलरेडी आपके पास एक थ्योरी है, ठीक है ना, आप अपनी ऑब्जर्वेशन से सिर्फ उस थ्योरी को कंफर्म करें. इंडक्टिव में आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, आप उनका पैटर्न खुद से समझने की कोशिश करते हैं, आप खुद से एक हाइपोथेसिस नई जनरेट करते हैं और उसको प्रूव करके उसकी थ्योरी बनाते हैं. सो जनरलाइजेशन से फोकस पे जब आप आते हैं तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है, और जब आप फोकस से जनरलाइज पे जाते हैं तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है. सो वन मस्ट कंसिडर मल्टीपल आइडियाज, इस तरह से ज्यादा आसान है, आइडियाज एंड इंडक्शन. व्हेन यू कंसिडर मल्टीपल आइडियाज दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग, एंड व्हेन यू रीच टू अ फाइनल सॉल्यूशन दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग. सो थिंकिंग मल्टीपल आइडियाज इन द बिगिनिंग दैट इज इंडक्शन, एंड स्टार्टिंग विद अ कंक्रीट सॉल्यूशन इज डिडक्शन. मैम इसको अगर सॉरी अगर थोड़ा और आसान में अगर हम कहेंगे इस तरह से, आप बताना चाह रहे हैं या मुझे कह रहे हैं कि मजीद नहीं, मैम आप गाइड कर दीजिए थोड़ा सा और. मैं ये कहना चाह रही हूं लेकिन थोड़ा सा मैं लग रही थी कि एक तरह डिडक्शन वैसे क्या होती है, अंग्रेजी में डिडक्शन का क्या मतलब है, लेस करना उसको या माइनस करना, कट करना.
डिड्यूस करना, एक कहते हैं ना आप जब अंग्रेजी में बात करते हैं मैथ्स में, नतीजा अखज करना, कोई नतीजा अखज करना, तो डिडक्शन में आप एक अखज किए हुए नतीजे से शुरू होते हैं, एक नतीजा पहले से आपके पास है, आप उसे सिर्फ वेरीफाई करें, डिडक्शन ऑलरेडी है, समझ गए आप मेरी बात। इंडक्शन में आप मल्टीपल आइडियाज को लेकर चल रहे हैं, आपके पास कोई नतीजा नहीं, आप उन आइडियाज, आई से इंडक्शन और आई से ही इंडक्शन, आई से आइडियाज और आई से ही इंडक्शन, मल्टीपल आइडियाज ले रहे हैं और उनको खुद उनका पैटर्न स्टडी करके एक कंक्लूजन पे आखिर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। टू बिगिन विद यू डोंट हैव एनी थ्योरी विद यू। ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग तो इंडक्शन में होगी ना? जी, ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग इंडक्शन में। इंडक्शन में तो हमने एक चीज कर ली कि इंडक्शन में आप एक तरह से वही पिछले नॉलेज को सिर्फ एविडेंस बेस्ड कर रहे हैं। जी जी जी, बस ठीक है ना। सो डिडक्टिव रीजनिंग का एक बेसिक कोर होना चाहिए आपके पास और फिर आप इवॉल्व करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ। ठीक है, तो डिडक्शन एक बेसिक और इंडक्शन उसके ऊपर है। हाँ सॉरी मैडम, आपको इंटरप्ट करें मैडम, मैंने डिडक्शन से ये सीखा था कि जो बहुत ज्यादा लोगों के एक्सपीरियंसेस के बाद एक जो आपका फाइनल नतीजा निकलता है, फिर आप आगे उसको जेनरेशंस में लेके चलते हैं, ये डिडक्टिव प्रोसेस होता है। जैसे हमें पता है कि आग को हाथ लगाने से हाथ जल जाता है और ये मल्टीपल लोगों ने एक्सपीरियंस किया और उसके बाद ये जेनरेशंस में ट्रेवल हुआ, तो ये डिडक्टिव प्रोसेस है। मतलब जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है और वेल नोन है, ये डिडक्टिव है। थ्योरी इज ऑलरेडी देयर, आपको पता है कि जी आग लगाने से जल जाता है हाथ, ये आपके प्रोसेस है। फिर आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा किसी का हाथ लगाने से वाकई जल गया, तो आप कहते हैं कि इसका मतलब है जो लोग कहते थे वो ठीक कहते थे। ये हमारे पास रिजल्ट है कि ये हमारे पास रिजल्ट इतना है, तो किस तरह से हमने इसको अचीव करना है वो हमने नीचे फिर उसको प्रोसेस करते जाना है, हाइपोथेसिस और ऑब्जर्व। हां जी मैम, इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये हो सकती है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट हमारे पास आया है, वी हैव टू चूज फ्रॉम अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस2 इनहिबिटर, मतलब ऑल द क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव। अब उस पेशेंट की अगर पल्स 60 है तो दैट वुड मेक मी डिसाइड कि आई वुड नॉट बी चूजिंग अ बीटा ब्लॉकर क्योंकि उसका हार्ट रेट ऑलरेडी लो है। सो दैट इज माय डिडक्शन आउट ऑफ द इंडक्टिव रीजनिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, रादर देन यू ट्राइंग इट ऑन द पेशेंट एंड देन सेइंग कि सो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हमने ऑलरेडी बात कर ली, ये भी मेरा ख्याल है कोई बहुत डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है उस तरह से आपके साथ। सो ये इम्पोर्टेंट है जो मैं इसको एम्फसाइज करना चाहूंगी। सो पार्टनरशिप फॉर 21st सेंचुरी स्किल्स, इट स्टेट्स दैट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आर नीडेड इन करंट नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमीज टू इम्प्रूव नेशनल कॉम्पिटिशन इन द ग्लोबल मार्केट। क्रिटिकल थिंकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल बिकॉज इट हेल्प लर्नर टू कंटिन्यू टू फॉर्मुलेट आइडियाज एंड सोल्यूशंस एंड फॉस्टर लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। किसी भी स्टेज पे आप अपने आप को एब्सोल्यूट नहीं तसव्वुर करते, हर स्टेज पे आपको ये अंदाजा रहता है कि आई कैन स्टिल इवॉल्व एंड एक्चुअली यू कीप ऑन इवॉल्विंग। टुडे आई मेक एन अटेम्प्ट टू इवॉल्व, एवरी डे आई मेक एन अटेम्प्ट टू इवॉल्व। सो बाय रिफाइनिंग टेक्निक्स विद इन द क्लासरूम टू एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, स्टूडेंट्स विल बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ वर्कफोर्स एंड लाइफ। ये मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सिर्फ वर्क फोर्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ये आपकी लाइफ इन जनरल जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आपने हर वक्त आपने इवॉल्व करना है, आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, आपने देखना है यू एवरी नेक्स्ट डे यू वांट टू बी अ स्मार्टर पर्सन देन बिफोर, यू वांट टू यूज़ द सेम 24 आवर्स लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन अ मोर पॉजिटिव वे, as efficient a way as possible, so you keep on evolving. So if you have any questions, so madam, ill structured problem ki phir koi key to nahi hoti na? Nahi, koi key nahi hoti, yahi to main aapse keh rahi hu. So ye assessment mein use nahi karte, ye bas hum teaching and learning mein use karte hain, aap unke thought process ko stimulate karne ke liye. Ji ji, so that you know at least they get onto the road. किस तरह से यू उन्हें ये कॉन्फिडेंस तो आए कि जी गलत बात भी की जा सकती है। जी
ठीक है ना, जो बात दूसरे को गलत लग रही है वो भी अगर मैंने कर दी है तो मतलब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा, क्योंकि मैं उसके कोई रीजन दे रहा हूँ. अब अगर अगर उसके रीजन कम है और दूसरा बंदा जो उससे कॉन्ट्ररी बात कर रहा है उसके रीजन ज्यादा है, तो फिर ये लॉजिकल वे हो जाएगा उसको कन्विंस करने का कि देखें आपके, क्योंकि इसके सपोर्ट में हमारे पास लॉजिक्स कम है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑटोमेटिकली जिसके लॉजिक ज्यादा है वो बात ज्यादा ऑथेंटिक होनी चाहिए. तो ये एक आसान तरीका है, यू नो, लीस्ट इंसल्टिंग, लीस्ट ह्यूमिलिएटिंग एंड मोस्ट पैलेटेबल फॉर्म में उसको ये फीडबैक देने का कि अगर उसको अपना थिंकिंग प्रोसेस रीडिजाइन करने की जरूरत भी है, तो एक तरह से ये एक फ्रेंडली वे हो जाती है कि जिसमें वो आसानी से समझ लेता. जी ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड लक इन ऑल द फ्यूचर. थैंक यू.